الحمد لله الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الأنبياء وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء أما بعد عن صلبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر وحده بإنسان من أهله فاطمة وأول من يدخل عليها فاطمة فقدم من غزاة وقد علقت مسحا أو سترا على بابها وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة فقدم ولم يدخل فظنت أننا منعه أن يدخل ما رأى فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيان فأخذه منهما وقال يا صوبان اذهب بهذا إلى آل فلان إن هؤلاء أهلي أكره أن يأكلوا من طيباتهم في حياتهم الدنيا وقال يا صوبان اشتر لفاطمة قلادة من عشب وسوارين من عاد أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز علماء کرام حضرات سامعین بزرگوں دوستوں نوجوانوں عزیزوں اس وقت آپ حضرات کے سامنے ایک روایت نقل کی گئی ہے اور اسی روایت کے ذیل میں چند باتیں اس امید پر عرض کی جا رہی ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں اللہ تبارک و تعالی نے سروری کائنات آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے اپنی آخری کتاب بھی عطا فرمایا اور اس امت کو آخری امت بنایا امت محمدیہ علی سائمہ الصلاۃ والسلام آخری امت بنائی گئی ہے کیونکہ اس کا نبی آخری نبی ہے
और इसको जो किताब अता की गई है वो आखिरी किताब है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना, खातमुल अंबिया होना, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बायस शरफ नहीं है, बल्कि आपकी उम्मत के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये बहुत बड़ा इनाम है। जब नबी के बाद नबी आया करता है तो उम्मतों को इम्तहान देना पड़ता है। एक पैगंबर के बाद दूसरा पैगंबर आया तो उम्मत के लिए एक इम्तहान और आजमाइश का मौका होता है। पैगंबर का आना बहुत बड़ी आजमाइश और बहुत बड़ा इम्तहान होता है, इसलिए कि जब नबी आता है तो दो ही सूरतें होती हैं, या तो आने वाले पैगंबर की नबूवत का इकरार और एतराफ करके उनकी तस्दीक की जाए, उनकी तारीफ की जाए, और या फिर उनकी नबूवत का इनकार किया जाए, उनकी तकदीब की जाए। आने वाले पैगंबर की तारीफ और तस्दीक कर देने से उम्मत कामयाब हो जाती है, और आने वाले पैगंबर की तकदीब करने से उम्मत नाकाम हो जाती है। इम्तहान का रिजल्ट कामयाबी की सूरत में या नाकामयाबी की सूरत में निकलता है, लेकिन जब नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि अब इस उम्मत को फिर इम्तहान में नहीं बैठना पड़ेगा। अब इसे अल्लाह तबारक व तआला ने किसी आजमाइश में और इम्तहान में बैठाने का इरादा खत्म कर दिया है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनाकर भेजे गए, यानी अब आपकी उम्मत को इम्तहान और आजमाइश से नहीं गुजरना है। इसलिए आपके बाद अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो वो गोया हमें इम्तहान में बिठाना चाहता है, हमारा इम्तहान लेना चाहता है, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा इम्तहान लेने का कोई इरादा नहीं रखा है। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का ऐलान करके हमारे लिए इस बात का इजहार कर दिया कि इस उम्मत को अब फिर आजमाइश और इम्तहान से नहीं गुजरना है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाया गया तो इस उम्मत को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा। जब नबी के बाद नबी आने वाला होता है तो शरीयतें बदला करती हैं, अहकाम बदला करते हैं। नबी के बाद फिर नबी आने वाला है तो गोया जो शरीयत लेकर पैगंबर आया है वो दायमी नहीं है, वो हमेशा बाकी रहने वाली नहीं है। लेकिन जब नबी के बाद कोई आने वाला पैगंबर नहीं है तो गोया ये आखिरी शरीयत है, अब इस शरीयत के बाद कोई हालत मुंतजरा नहीं है।
उस शरीयत को दवाम है, बका है, सबात है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले शरीयतों में उम्मतें खुर्द बुर्द कर दिया करती थी, अल्लाह पाक की तरफ से जो किताब दी जाती थी कुछ दिनों तक वो महफूज रहती थी और पैगंबर के जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग उसमें अपने पसंद की चीजें घुसेड़ देते थे। इस तरह किताबों में और शरीयतों में मिलावट हो जाया करती थी। क्योंकि हर नबी के बाद नबी आने वाला होता था तो फिर से सुधार हो जाता था और दूध अलग और पानी अलग हो जाता था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिलसिले को बंद फरमा दिया। अब शरीयत की हिफाजत उम्मत की जिम्मेदारी नहीं है। जो किताब अल्लाह तबारक व तआला ने दी है उसकी हिफाजत का बोझ उनके उम्मत पर नहीं रखा है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उसको अपनी हिफाजत में ले लिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ही इसे नाजिल भी किया है और हम ही इसकी हिफाजत भी करेंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में ये शरीयत है तो इसको दवाम है, बका है, खुर्द बुर्द से ये महफूज है। और अब इसके बाद कोई नई शरीयत आने वाली नहीं है, अब पैगंबर आने वाला नहीं है कि गड़बड़ हो जाए तो सुधार हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस शरीयत को, शरीयत मुहम्मदिया को दायमी बनाया है ताकि आने कयामत ये शरीयत बाकी रहने वाली है। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने की अंबिया ने आरजू फरमाई है। माज अंबिया ने अल्लाह तबारक व तआला से अपनी इस हसरत का, अपने इस अरमान का इजहार किया कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे नबूवत और रिसालत ना अता फरमाइए, मुझे अपने आखिरी पैगंबर की उम्मत में जगह दे दी। मेरे भाइयों, बड़ी चीज को छोड़कर छोटी चीज की आरजू नहीं की जाती है। अगर किसी शख्स को 1000 रुपए हासिल हो तो वो ये नहीं कहेगा कि अल्लाह 1000 मेरे हाथ से छीन लीजिए, हमको 100 ही टका थमा दीजिए। यह हिमाकत और नादानी है कि बड़ी चीज से दस्तबरदार होकर छोटी चीज की ख्वाहिश और आरजू करें। नबूवत और रिसालत बड़ी दौलत है, बड़ा इनाम है, उसके बरखिलाफ उम्मती होना एक छोटी सी सआदत है, एक छोटा सा मकाम है। अंबिया ने नबूवत से दस्तबरदार होकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होने के लिए दुआ फरमाई। इससे मालूम होता है कि इस उम्मत में कुछ खास बात है, कुछ बात ऐसी है जो अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए ख्वाहिश की और आरजू की बात है। बड़ी चीज है इसके अंदर, जब ही तो अंबिया इसके आरजूमंद है। इससे समझ में आता है कि उम्मत मुहम्मदिया का मकाम कितना बुलंद है। अल्लाह ने इस उम्मत का मकाम इतना बुलंद फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम व तस्लीम इसके ख्वाहिशमंद है, आरजूमंद है। जिस चीज की अम्मिया ख्वाहिश करते थे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बगैर किसी जिद्दोजहद के और बगैर किसी कब्दो काविश के
और बगैर किसी मेहनत और कुर्बानी के यूं ही अता फरमा दिया और आपको ये शहादत और दौलत मिली कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में है आप। मेरे बुजुर्गों, चूंकि पहले अंबिया की जो शरीयतें थी उसको जवाल था, सबाक नहीं था, वो खत्म होने वाली थी, उसको दवाम और बका नसीब नहीं था। अगर किसी चीज को करार ना हो, सबाक ना हो, उसके जवाल का अंदेशा हर वक्त लगा रहे तो उसमें आदमी को सुकून मयसर नहीं होता है। कितनों ही शानदार इमारत हो लेकिन आपके कान में कह दिया जाए कि आप इस इमारत में हैं तो जरूर, मगर कब ये धड़ाम से गिरेगी कहा नहीं जा सकता है, तो आपको कभी उसमें आराम सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए कि हमेशा खतरा बना हुआ है उसके दीवार का। और अगर आपको झोपड़ी में रख दिया जाए और इस बात की जमानत दी जाए कि इसमें कोई खतरा नहीं है, किसी तरह का कोई अंदेशा नहीं है, तो आपको वहां सुकून की नींद आएगी, आराम से कटेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलात व सलाम को उस बेसुकूनी और बेकरारी में रखा था और इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून और करार की दौलत से नवाजा है। इसी सुकून के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीम आरजूमंद थे, ए रब्बे कायनात मुझे नबूवत ना अता फरमाइए, इसलिए कि इस नबूवत के साथ जो शरीयत है वो तो जवाल पजीर होगी, वो तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, उसमें गड़मट भी हो जाएगी और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। दायमी शरीयत में अगर हमें पनाह मिल जाए तो वो सुकून सबा को करार वाला होगा, वो दायमी सुकून होगा, उसमें बहुत आराम होगा, चैन की जिंदगी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो दौलत आपको अता फरमाई है। उलमा फरमाते हैं कि इस उम्मत को अल्लाह ने अंबिया की पोजीशन में रखा है। इस उम्मत में ऐसे ऐसे अफराद अल्लाह ने पैदा किए हैं जो अंबियाए साबिकीन के मामिंद हैं, उनके टक्कर के हैं। एक रिवायत आती है, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरे उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के मानिंद होंगे, उनके टक्कर के होंगे। मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि इस रिवायत की कोई सनद नहीं है, बेअसल रवायत है, ला असल लहू। मुहद्दिसीन का अपना एक जाब्ता है, वो अपने कानून पर रिवायतों को परखते हैं, उनके जाब्ते और कायदे पर कोई चीज खरी न उतरे तो इसका ये मतलब नहीं है कि लाजमी तौर पर वो चीज गलत है। किसी चीज का सही होना और गलत होना और बात है, और किसी चीज का साबित होना और गैर साबित होना और बात है। इन दोनों बातों में फर्क है, आम तरीके पर लोग ये फर्क नहीं महसूस कर पाते। अगर बंबई का नाम आप हदीस में तलाश करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में तलाश करेंगे तो नहीं मिलेगा और इसका सबूत फराहम नहीं कर सकेंगे आप, तो कहा जाएगा कि ये साबित नहीं है। लेकिन क्या नहीं साबित होने का ये मतलब है कि दुनिया के जोग्राफिए में इस नाम का कोई शहर नहीं है, इसका वजूद गलत हो जाएगा?
عدم ثبوت الگ چیز ہے اور کسی چیز کا غلط ہونا سرے سے یہ دوسری بات ہے. مان لیا جائے کہ روایت بئی الفاظ سند سے ثابت نہیں ہے لیکن اس کا مضمون تو شریعت کے مطابق ہے. علماء کو انبیاء کے مانند کہا گیا ہے, پیغمبر سے تشبیہ دی گئی ہے. تشبیہ کے لیے کسی ایک وصف کا مشترک ہونا کافی ہوتا ہے. جملہ اور ساتھ میں ہم پلہ ہونا ضروری نہیں ہے, ہم رتبہ ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء کو اللہ تعالی نے نبیوں کا وارث بنایا ہے. وارث میں اور مورث میں بعض صفات میں اشتراک ہوتا ہے. کچھ خوبیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مورث اور وارث میں لازمن مشترک ہوتی ہیں, غیر اختیاری طور پر اشتراک ہوتا ہے. تمام خوبیاں مورث کی وارث میں نہ پائی جائے لیکن کوئی نہ کوئی خوبی پائی جاتی ہے. باپ کا انتقال ہو گیا, مورث اس دنیا سے چلا گیا, اب اس کی اولاد اس کی قائم مقام ہوئی. باپ کی تمام خوبیاں اولاد میں نہ بھی ہوں تو کوئی نہ کوئی خوبی تو اولاد میں ضرور ہوگی. بعض خوبیاں غیر اختیاری ہوتی ہیں. مرنے والا مرحوم مورث اگر انصاری تھا تو وارث پٹھان تو نہیں ہو جائے گا. کچھ وصف غیر اختیاری طور پر دونوں میں مشترک ہوتے ہیں اور ایک وصف میں بھی اشتراک ہو گیا تو تشبیہ صحیح ہو جاتی ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تشبیہ دی ہے بنی اسرائیل کے علماء سے, بنی اسرائیل کے انبیاء سے اپنی امت کے علماء کو, تو کوئی استبعاد نہیں ہے. حافظ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باب اولیاء اللہ کے کشوف سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے. محدثین کے اصول پر چاہے بے سند ہو لیکن اس کا مضمون ثابت ہے, عین شریعت کے مطابق ہے اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے کشف سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے, بہت بڑے عالم اور بہت بڑے جلیل القدر بزرگ کا, کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو خواب میں کثرت سے زیارت نصیب ہوا کرتی تھی. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا تو آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور نبی خواب میں نظر آئے. پہلے تو خواب میں صرف حضور ہی نظر آیا کرتے تھے, آج جو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں, آپ کے قریب ایک اور پیغمبر ہے اور ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے. خواب دیکھنے والے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی فاصلہ تھا. خواب میں حضور کو یہ دور سے دیکھ رہے تھے اور اس دوسرے نبی کو بھی دور ہی سے دیکھ رہے تھے, تو فاصلے پر دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی, اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا کہ دونوں پیغمبروں میں کیا بات ہو رہی ہے.
इसी पर व्याम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दूसरे पैगंबर को जिससे बात हो रही थी इशारा दिया इनकी तरफ, ख्वाब देखने वाले की तरफ इशारा किया कि इनसे मिल लीजिए। तो वो दूसरे पैगंबर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम थे, वह आपके पास से इनके करीब आए। जब इनके करीब आए तो और ज्यादा उनका हुलिया बुशरा नुमाया हुआ और इन्होंने पहचान लिया कि ये कौन पैगंबर है। जो अलामात नुमाया थे उससे आसानी इन्होंने मुतय्यन कर लिया कि ये फला पैगंबर है। अब वो जब इनके करीब आए तो उन्होंने पूछा, मसलूक आपका नाम क्या है? तो इन्होंने कहा, अना इस्मी मोहम्मद व इस्मो वालिदी मोहम्मद व इस्मो जद्दी फुलान व इस्मो जद्दो जद्दी फुलान। मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है, मेरे परदादा का ये है, मेरे लकड़ दादा का ये है, छकड़ दादा का ये, एक दर्जन नाम अपने बुजुर्गों के उन्होंने एक साथ में ले लिए। फरमाते हैं कि जो पैगंबर सवाल करने वाले थे उन्होंने कहा कि यह अजीब आदमी मालूम होता है, इसको अकल से कोई वास्ता नहीं है। मैंने तो सिर्फ इसका नाम पूछा था, इसने अपना नाम बता दिया होता तो बात खत्म हो जाती, जवाब मुकम्मल हो जाता। लेकिन इतने पर इसने कनात नहीं की, अपना भी नाम बताया, बाप का भी बताया, दादा का भी बताया, परदादा का भी बताया, लकड़ दादा का भी बताया, छकड़ दादा का भी, 12 पुश्त के नाम एक साथ में शुमार करा दिए। इसको तो बात करने का भी सलीका नहीं है। जितना सवाल मुख्तसर हो उतना ही जवाब भी मुख्तसर होना चाहिए। बस तुम्हें कुछ नागवारी सुनी और उन्होंने कहा कि तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें तो गुफ्तगू करने का भी सलीका नहीं है। तुमने किस पैगंबर के तरीके पर और किनके सुन्नत के मुताबिक गुफ्तगू की है? तो ये तो बहुत बड़े आलिम थे, जब उनके जलाल को इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि हुजूर बेअदबी और जुरत अगर आप माफ कर दें तो फिर मैं आपको जवाब दूं। बात तो आगे बढ़ रही है और आपका तीवर तेज हो रहा है। आप पैगंबर हैं, मैं मामूली सा गुलाम हूं नबी का, इसलिए मेरे लिए आपका अदब करना जरूरी है। अगर मैं जवाब देता हूं तो खतरा है कि आपको और ज्यादा नागवारी होगी, इसलिए आप पेशगी मुझे माफी दें तो मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूं। उन्होंने कहा, अच्छा, यानी मेरे सवाल का भी जवाब तुम दे सकते हो? मैं जो पूछ रहा हूं कि तुमने किस पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक जवाब दिया, सवाल इतना मुख्तसर, जवाब इतना लंबा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास किसी नबी की सुन्नत है, उसी की रोशनी में तुमने इतना लंबा जवाब दिया है। कहा, जी मेरे पास उसका नमूना है, मैं आलिम हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, तो मैं सुन्नत के खिलाफ थोड़ी गुफ्तगू कर सकता हूं। मैंने जो जवाब दिया है इतना लंबा चौड़ा, उसकी वजह है। क्या वजह है बताओ? तो बताऊंगा, आपको नागवारी होगी इसलिए आप पेशगी मुझे माफी देते हैं। कहा, ठीक है, बताओ तो सही। कहा कि देखिए हुजूर, ये तो मेरा मुकद्दर है, मेरी किस्मत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज आपकी ज़ियारत करा दी और आपसे मुलाकात हो गई, वरना कहां मैं और कहां आप।
जब अल्लाह ताला ने आपसे मुलाकात करा ही दी और गुफ्तगू का मौका मिला तो मैंने सोचा कि ये बहुत किस्मत से इत्तिफाकी तौर पर किसी पैगंबर से मुलाकात और गुफ्तगू का मौका मिला है। अपने नबी की शरीयत पर और उनकी सुन्नत पर तो उम्र भर अमल करता हूं करता ही रहूंगा। आज जिनसे मुलाकात हुई है तो थोड़ा सा इनकी सुन्नत पर भी अमल कर लिया जाए, इसलिए मेरा जो लंबा जवाब है वो आप ही की सुन्नत के मुताबिक है। तो उन्हें बहुत हैरत आई कि यानी ये जो उठपटांग तरीका है वो मेरी ही सुन्नत है। उन्होंने कहा कि ये ढोंडा उठपटांग तरीका मेरी सुन्नत है, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उन्होंने कहा हुजूर इसका भी जवाब दे देता लेकिन वही अदब माने है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको जलाल आ जाए, इसलिए आप मुझे पेश की माफी दे दें तो मैं इसकी सनद भी पेश कर दूं। उन्होंने कहा अच्छा इसकी भी सनद मौजूद है? कहा जी मौजूद है, मैं आलिम हूं, बेसनद बात थोड़ी करता हूं। आप मूसा अलैहिस्सलाम हैं, मैंने तो पहचान लिया है कि आप मूसा कलीमुल्लाह हैं। कहा जी मैं तो मूसा जरूर हूं, तो क्या मेरी गुफ्तगू का यही तरीका था? मेरी सुन्नत यही है कि मैं बात थोड़ी सी सवाल की थोड़ा सा हो जवाब लंबा चौड़ा हो। कहा जी आपकी सुन्नत तो यही है, आपकी उम्मत ने आपकी शरीयत को भी गुम कर दिया और आपकी सुन्नत को भी गायब कर दिया। कोई मुस्तनद ज़खीरा आपकी सीरत का महफूज नहीं है। हां आपका तस्किरा हमारे पैगंबर की शरीयत में किताब में जगह जगह आता है, तो एक जगह आपकी गुफ्तगू का तस्किरा आया है, वहां हमने पढ़ा तो हमें महसूस हुआ कि आपकी आदत शरीफा ये थी कि सवाल थोड़ा सा हो तो जवाब चाहे जितना लंबा चौड़ा चाहो दो। कहा अच्छा ऐसा मेरी सीरत और सुन्नत में पढ़ा है, कहां है ये बात? कहा देखिए मेरे पैगंबर किताब जो लेकर आए हैं कुरान मुकद्दस उसमें आपका जगह जगह तस्किरा है और उसमें एक मौके पर आपने ऐसा ही किया है। अल्लाह ताला ने आपसे पूछा था मा तिलका बियमीनिका या मूसा, अरे मूसा आपके हाथ में क्या है? ये सवाल अल्लाह ने किया था कि दाहिने हाथ में आपके क्या चीज है, तो आपको जवाब मुख्तसर देना चाहिए था कि आशा लाठी है, लेकिन आपने देखिए जवाब कितना लंबा चौड़ा किया है, सवाल कितना मुख्तसर था। आपने जवाब दिया ही आसाया ये मेरी लाठी है। अल्लाह ने पूछा था कि किसकी है, तेरी मेरी का तो कोई सवाल में झगड़ा नहीं था। अल्लाह ने तो सिर्फ इतना पूछा था कि दाहिने हाथ में क्या है, ये तो नहीं पूछा था कि किसकी है। आपने इसमें बढ़ा दिया कि लाठी मेरी है, इतने ही बढ़ाकर आप खामोश हो गए होते तब भी जवाब मुख्तसर ही होता, लेकिन आपने तो गजब कर दिया। आपने जवाब दिया तवक्कौ अलैहा वहुश्शु बिहा अला कलमी वलिया फीहा मआरिब उखरा, ये सब किस सवाल का जवाब है? अल्लाह ने जो सिर्फ पूछा था कि ऐ मूसा आपके दाहिने हाथ में क्या है, तो आपने कहा कि मेरी लाठी है, और फिर आपने कहा कि इससे सहारा लेता हूं, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते तोड़ता हूं और इसमें हमारी बहुत सारी जरूरतें पूरी होती हैं, मैं इस पर कपड़े टांग लेता हूं, झोले टांग लेता हूं, दुश्मन पर लाठी चार्ज करता हूं, सांप बिच्छू मारता हूं। ये सब तो अल्लाह ने सवाल में नहीं कोई तस्करा किया था, तो इससे मैंने समझा कि आपकी सुन्नत और आपका तरीका यह है कि सवाल करने वाला चाहे मुख्तसर सवाल करे, जवाब देने वाले को अख्तियार है कि जितना लंबा चाहे जवाब।
तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि भाई ये आदमी तो बहुत गजब का निकला, इसने तो ऐसी दलील दे दी है कि बिल्कुल जवाब देने में ये हक बजानिब है, लंबा चौड़ा जवाब दिया जैसे मैंने लंबा चौड़ा जवाब दिया था, लेकिन इसने मेरे जवाब पर अपने जवाब को कयास किया है, ये कयास दुरुस्त नहीं है, ये तो कयास माल फारिक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो वहां मैंने जवाब लंबा क्यों दिया था, उसकी वजह थी वो इल्लत यहां नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको उस वाक्य पर कयास करना दुरुस्त नहीं है। मुझसे सवाल करने वाली जात कौन थी, उससे कौन बात कर रहा था, मुझसे तो अल्लाह ने पूछा था, सवाल अल्लाह की जानिब से हुआ था, तो कायदा यह है कि साईं जवाब सुनने के लिए मुजीब की तरफ मुतवज्जे रहता है, जवाब देने वाला जब तक जवाब देता रहेगा शायर का तखातुब उसकी तरफ रहेगा, उसकी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल रहेगी। जब अल्लाह ने मुझसे सवाल किया तो मैंने देखा कि अल्लाह ताला हमसे हम कलाम है, तो जब तक हम जवाब देते रहेंगे जब तक उनकी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल रहेगी, तो खुदा की हम कलामी को ज्यादा देर तक बाकी रखने के लिए मैंने कसदन लंबा जवाब दिया था। लेकिन तुमसे सवाल तो अल्लाह नहीं कर रहा है कि तुम उसकी तवज्जो मबजूल करने के लिए लंबा जवाब दे रहे हो, ये तुम्हारा कयास प्रयास माल फारिक है। उन्होंने कहा हुजूर अगर आप वादा करें कि नाराज न होंगे गिरानी न होगी तो मैं इसका भी जवाब दे सकता हूं। अच्छा इसका भी जवाब है तुम्हारे पास, कहा जी इसका भी जवाब है, ये कयास माल फारिक नहीं है, आप पैगंबर हैं, नबी से अल्लाह तबारक व तआला बात कर रहा है तो ये नबी की शान है, अल्लाह ताला उम्मती से हम कलाम नहीं होते हैं, मैं तो एक अल्लाह उम्मती हूं, मैं आपके मकाम को कहां पा सकता हूं। अल्लाह ने आपसे सवाल किया तो जवाब देने में आपने इतनी लंबी चौड़ी इबारत तिलावत कर दी ताकि अल्लाह की तवज्जो को अपनी तरफ आप मजबूर रखे, मैं कहां खुदा को पा सकता हूं उससे हम कलाम हो सकता हूं, ये तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मेरे लिए यही कम नसीबी की बात नहीं है, मेरा मुकद्दर तो बहुत कीमती हो गया और मेरा नसीबा जाग गया कि आज अल्लाह के कलीम से हम कलाम होने का मौका मिला, तो मैंने सोचा कि अल्लाह का कलीम मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ है तो जब तक मैं जवाब देता रहूंगा अल्लाह का कलीम मेरी तरफ मुतवज्जे रहेगा, तो मैंने भी कलीम खुदा को अपनी तरफ मुतवज्जे रखने के लिए लंबा जवाब दिया है, इसलिए ये कयास माल फारिक नहीं है। हाफिज सुयूती फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सदका नबीयुकुम उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, तुम्हारे नबी ने सही कहा है कि इस उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के टक्कर के होंगे, उनके मानिंद होंगे। फरमाते हैं कि इस तरह बेशुमार अहदुल्लाह के कुशूफ से इसकी ताईद होती है कि ये मजमून सही है और मजमून रिवायत का किसी शरीयत के कायदे के खिलाफ नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के उलमा को अपना नायब करार दिया है, एक आलिम दीन को नायब रसूल कहा जाता है, मनूब में और नायब में बास सिफात का इश्तराक होता है, कोई किसी का नायब बनाया जाता है तो कोई ना कोई खूबी उसमें मनूब की हुआ करती है, इसलिए इस उम्मत के उलमा से अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बड़े बड़े काम लिए हैं कि बहुत से बनी इसराइल के अंबिया से वैसे काम लिए गए हैं, ये अपने कारनामों की बुनियाद पर अंबिया से मुशाबहत रखते हैं। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ بند ہو دیا گیا ہوتا تو میرے بعد عمر میں نبی ہونے کی صلاحیتیں موجود ہیں. معلوم ہوا کہ عمر جو ایک امتی ہے نبوت کی صلاحیتیں اپنے اندر رکھتے ہیں. اہلیت ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ وہ منصب بھی مل جائے. بعد میں وقوف لوگ اس کو بہانہ بناتے ہیں کہ جناب جب بعض امتی میں نبوت کی صلاحیت ہے تو ہمارے مرزا شاہد نے بھی تو یہی کہا ہے. نہیں سمجھ میں بات آتی ہے. یہ ملک بڑا زرخیز ملک ہے. جب یہاں انگریز لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے مسلمان اولیاء اللہ اور بزرگوں سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں. ولی مل جاتا ہے بہت احترام سے اکرام سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں. اگر کہیں ولی نہیں ملتا ہے تو زمین سے نکال لیتے ہیں. خواب میں بشارت ہو جاتی ہے کہ یہ شہید بابا کا مزار ہے اور یہاں پیر غیب کا مزار ہے. جب ولیوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے تو اگر کوئی نبی مل جائے تو کیا پوچھنا ہے. یہ تو زمین بہت زرخیز ہے. ذرا یوریا سلفیٹ ڈال کے دیکھو ایک آدھ ہو سکتا ہے کہ کھڑا ہو جائے. چنانچہ یہ انگریز ڈپلیکیٹ بنانے کے بڑے ماہر ہیں. انہوں نے ڈپلیکیٹ بنا دیا. ہر چیز کا ڈپلیکیٹ بنا دیا. آپ کسی 100 سال کے بوڑھے آدمی سے پوچھئے کہ دادا جان جب آپ میری عمر کے 8 سال 10 سال کے تھے تو آپ کے زمانے میں گھی کئے قسم کا ہوتا تھا. تو وہ 100 سال کا بڈھا کہے گا کہ بہت پاگل ہو گیا ہے. کیا گھی کے قسم کہاں تھی؟ ہمارے بچپن میں تو گھی ایک قسم کا ہوتا تھا. ڈالٹا کا تو کہیں نام اور وجود نہیں تھا. ایک پیور اصلی گھی ہوتا تھا. یہ ڈبے والا گھی نہیں تھا. تو دیکھو ڈبے والا گھی آ گیا نا ڈپلیکیٹ. اور ڈپلیکیٹ ایسا بھڑکیلا اور چمکیلا کہ اوریجنل اس کے سامنے پھیکا اور مدھم ہو گیا. ڈپلیکیٹ جو بھی ہوتا ہے اس کے مارکے ہوتے ہیں, لیبل ہوتا ہے اور اس کی دکانوں پر بڑے بڑے بورڈ ہوتے ہیں, اس کا پرچار ہوتا ہے. اور جو پیور اصلی گھی ہے نہ اس کا کوئی مارکا ہے, نہ اس کے لیے کوئی سنہرا خوبصورت ڈبا ہے, نہ شاندار پیکنگ ہے, نہ کوئی بورڈ ہے. ڈپلیکیٹ تیار کر دیا. گھی کا ڈپلیکیٹ آ گیا مارکیٹ میں اور چلن اتنا عام ہو گیا کہ اب ڈپلیکیٹ کو اصلی سمجھا جا رہا ہے. اصلی سے اب کہاں ملاقات. اور ایسا نہیں کہ ایک ہی حادثہ ہوا ہو, نہیں, اب تو انڈا بھی ڈپلیکیٹ آ گیا. آیا کہ نہیں آیا؟ 100 سال کے بڈھے سے میں نے کہا پوچھ لیے, آپ کہیں گے 100 سال کا بڈھا ملے گا کہاں مجھے کہ میں پوچھوں گا. ارے نہیں ملے گا تو کسی 60 سال کی عمر کے آدمی سے پوچھ لو. 60 سال کی عمر کے آدمی سے پوچھو کہ جب 8 سال کے آپ تھے تو مارکیٹ میں انڈا کئے قسم کا ملتا تھا. وہ کہے گا بڑے پاگل قسم کے آدمی ہو یار تم, کئے قسم کا انڈا. انڈا تو ایک ہی قسم کا تھا, یہ مشین والا انڈا تو تھا ہی نہیں مارکیٹ میں. ایک ہی انڈا تھا جس کو آج کل تم دیسی انڈا کہتے ہو, پردیسی تو تھا ہی نہیں. سائنس نے اور انگریزوں نے ڈپلیکیٹ ایسا تیار کیا کہ اس کا سائز بھی اوریجنل سے بڑا اور اس کی سفیدی اور اس کی چمک بھی اس سے تگڑی ہے. اب اس کو رکھو گے اس اوریجنل کے سامنے تو وہ دب جائے گا. اور یہ اس کے سامنے کافی بڑا چمکیلا معلوم ہوگا.
और ऐसा नहीं कि सिर्फ अंडा ही डुप्लीकेट, नहीं, इसके वालिद बुजुर्गवार और इसकी अम्मा जान भी डुप्लीकेट है, मुर्गा भी डुप्लीकेट, ओरिजिनल मुर्गा सिंगल के किसका होगा, और जितना डुप्लीकेट है सब आला हजरत के खानदान का। जो देसी है बेचारा सब देवबंदी है, और जो परदेसी है सब बरेली है। एक मुर्गा ऐसा मिलेगा कि साथ साथ नाम की कुर्बानी उसमें जायज हो जाए, है कि नहीं। अंग्रेजों ने अंडा डुप्लीकेट तैयार किया, मुर्गा डुप्लीकेट तैयार किया, और मुल्ला भी डुप्लीकेट तैयार किया कि नहीं किया। अंग्रेजों का तैयार किया हुआ मुल्ला, उसकी शिरवानी पगड़ी इमामा इबाद शुभा देखोगे तो शुभा होने लगेगा कि फरिश्तों के काफिले से एक अदद छूट कर रह गए हैं। ऐसा लगेगा कि जिब्राइल अमीन के आजू बाजू ही में रहने वाले थे, अभी स्टेज पर आसमान से टपक पड़े। डुप्लीकेट मुल्ला बहुत फड़कीला, बड़ा चमकीला, साइज भी बड़ा। अब ओरिजिनल होगा तो कोई उसको घास नहीं डालेगा, तो मौलवी सिंगल चेचिस का होगा, न कोई चमक न कोई दमक न कोई भड़कीलापन। डुप्लीकेट ने ओरिजिनल को दबा दिया, दबाया कि नहीं दबाया, जाली और नकली पीर बना दिया, खाली मुल्ला ही थोड़े बनाया। और ये अल्लाह की भी दो किस्म हो गई, एक डुप्लीकेट और दूसरे ओरिजिनल। ओरिजिनल को डुप्लीकेट ने दबा दिया, ऐसी ऐसी करामतें डुप्लीकेट से जाहिर होती है कि क्या ओरिजिनल सिरकों से ऐसी करामत नमूदार। हमारे झारखंड के इलाके में एक पीर साहब आते थे, पीर साहब की शान मत पूछिए, आगे पीछे बहुत से कल्लाल बड़ी शान से हजरत तशरीफ लाते थे और बड़ी करामतों के मजमुआ थे। पीर साहब ने क्या कर रखा था कि रेडियम को, रेडियम जानते नहीं जानते आप लोग, आजकल तो तस्वीर रेडियम की मिलती है जो अंधेरे में चमकती है। रेडियम को उन्होंने केमिकल के जरिए से इतर में मिला लिया था, और जब रात होती तो वो इतर रेडियम वाला चेहरे पर मल लेते। लोग कहते हैं कि मेरे पीर साहब ऐसे नूरानी है कि लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, अंधेरे में चेहरा दमकता है। और लोग देखते तो वाकई दमकता था चेहरा, फिर क्या पूछना है, फिर तो भेड़िया धसान लोग मुरीद होते थे। एक पीर साहब आते थे, शीरवानी के पैकेट में चीनी की पुड़िया रख लेते थे। गांव देहात के लोग सीधे साधे, पीर साहब की आमद हुई, कच्चे मकान में रहने वाले ने बेचारे ने लीप पोत करके ताजा तैयार किया ताकि हजरत इसमें क्याम करें। हजरत इतने होशियार थे, ऐसे साहेब करामा, वहां कमरे में सफर से आया हूं थका हारा, अरे कोई साहब मुसाफिर के लिए ना आए, मुलाकात के लिए ना आए, मैं थोड़ा सा होश हवास बहाल कर लूं, उसके बाद कुछ वक्फे के बाद लोग आए मुलाकात करने के लिए। लोग समझते जो भाई बात भी माकूल है, लेकिन पीर सरापा नामाकूल था, अंदर से किवाड़ बंद कर देता था, और थोड़े आराम और वक्फे के बहाने से वो शीरवानी में जो चीनी की पुड़िया होती थी उसको खोल करके कमरे में बिखेर देता था। थोड़ी देर के बाद चूंटे चूंटियां आ जाती थी, अब कमरा खोल देता था, मरीज लोग मुलाकात के लिए आते बेधड़क कमरे में दाखिल हो जाते, बड़ी जोर से डांट पिलाता, कमीने नालायक अकल के अंधे, जरा भी तुम्हें तमीज नहीं है, इस वक्त हमारे जो जिन्नात मुरीद है वो लोग बड़ी तादाद में आए हुए, चूंकि चूंटे की शक्ल भागो यहां से कम से। लोग भी देखते हैं कि वाकई ये तो
कमरा लीपा पोता था, यहां में एक चूटी ने एक चूटा, इतनी भीड़, वाकई जिन्ना अधूरी थे उनके। अब जब ऐसे पहुंचे हुए फकीर मिल गए हैं तो क्या पूछना है, और आत्मा एकदम हाथ पकड़ा डायरेक्ट जन्नत। दुबली के पीरों ने ओरिजिनल की हैसियत को खत्म कर दिया। और आज देख लो, पहले तो पूरे मुल्क में एक ही उर्स होता था, अजमेर शरीफ का। अब क्या होता है, उर्स में जाने वाले लोग अकल के सभी अंधे तो नहीं होते हैं, जाने वाले में भी कुछ सोचने समझने की सलाहियत होती है। उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत शानदार बिजनेस है, चंद ही दिनों में साल भर की कमाई हो जाती है, तो इससे उम्दा बिजनेस कौन हो गया होगा, जियारत के नाम पर तिजारत। जब आप एतराज करोगे तो हदीस पढ़ेंगे कि अल्लाह के नबी ने कब्रों की जियारत का हुक्म दिया है, कुन तो नहाई तो कुमान जियारत कबूर अला कसूर हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने किसी वक्त में तुम्हें कब्रों की जियारत से मना कर दिया था, लेकिन अब छूट दे रहा हूं, अब कब्रों की जियारत किया करो। तो हम औलिया अल्लाह के कब्रों की जियारत, तिजारत का नाम रखा जियारत। जियारत आंख से की जाती है कि शीरीन से की जाती है, जियारत आंख से की जाती है कि चादर से की जाती है, जियारत आंख से की जाती है कि रुपए पैसे से की जाती है। ये सारी चीजें जियारत में क्यों जोड़ी गई, इसलिए कि नाम जियारत काम तिजारत है। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ देवबंद नहीं बोल रहा है, कहीं आप समझे कि तो देवबंदी लोग हैं, इनका तो मसलक यही है, ये तो इसके खिलाफ बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है। जितने दुनिया में अक्ल वाले साहेब इल्म गुजरे हैं, उन्होंने इस सूरत हाल को देखकर वही कहा है जो हम कहते हैं। अल्लामा इकबाल, ईमानदारी से बताओ, देवबंद के पढ़े हुए थे, किसी देवबंदी बुजुर्ग के मुरीद थे? नहीं, वो तो यूरोप में पढ़े हुए थे और बहुत इस्लामियात का भी गहरा मुताला था। उन्होंने इंडिया में देखा कि बुजुर्गों की हड्डियों का कारोबार शुरू हो गया है, तो उन्होंने कहा, हो मे को नाम जो कब्रों की तिजारत करके क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। बताओ ये फतवा देवबंद का है, अल्लामा इकबाल दे रहे हैं फतवा कि ये कब्रों की तिजारत है, इसलिए होशियार रहो, तिजारत का नाम जियारत मत रखो। जियारत दी जाती है दलील के तौर पर और काम होता है तिजारत का। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अजमेर जाने वालों ने कहा ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, चंद ही दिनों में इतना आ जाता है, इतना आ जाता है कि साल भर मौत से जिंदगी कटती है। अगर हम इतने बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते हैं कमाई, तो छोटे पैमाने पर हम भी दुकान खोल कर देखें। अब वो आहिस्ता आहिस्ता हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर एरिया में बुजुर्गों ने कब्र से सर उठाना शुरू कर दिया, और कोई सर नहीं उठा रहा है तो खाक होने लगा लोग। और खाक के लिए भी जरूरी नहीं है कि वहां पर कोई मुर्दा ही दफन हो। अजीब अजीब हादसे होने लगे। बांग्लादेश का एक वाकया है, सुनने के लायक वाकया है। एक नौजवान, गरीब घराने का नौजवान था, उसके मां बाप ने पेट काट काट कर उसको ग्रेजुएशन तक तालीम दिलाया। जब उसकी तालीम मुकम्मल हो गई, मां बाप भी बूढ़े हो गए, इकलौता बेटा, सब कुछ उन्होंने उसकी तालीम पर खर्च कर दिया। अब मोहताज और जरूरतमंद थे कि बेटा कमाकर इनकी परवरिश करे। बेटे को भी ख्याल हुआ कि मैं जवान हो गया हूं,
और एक हद तक तालीम भी मुकम्मल कर ली है। अब कोई माश का जरिया खड़ा करना चाहिए तो उसने मुलाजमत तलाश किया। मुलाजमत तलाश करने के लिए इस ऑफिस उस ऑफिस उस अफसर उस लीडर तमाम बेचारा गश्त करता रहा। सबों ने उम्मीदें खूब दिलाई और जहां तक हो सका इसको नोच खसोट लिया। फरेब करते रहे, काम उसका बना नहीं। झूठ मूठ रिसीवर उठाते और कहते हेलो देखो तुम्हारे पास मैं भेज रहा हूं इनको, इनका काम कर देना। और वहां कोई फोन पर थोड़ी बात हो रही है इसको उल्लू बनाने के लिए। अब वहां जाता कहते साहब फला नेता जी का फोन आया। कैसा फोन? कहा मेरी मुलाजमत किसने का बेहूदा कहीं का भागता है कि नहीं यहां से। तो जो उसके पास बचा कुचा था वो सब भी खत्म हो गया। ये बेचारा बहुत मायूसी का शिकार था। एक दिन ट्रेन से घर जा रहा था, मुंह लटकाए हुए था, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अल्लाह की शान, इसके सामने एक बुजुर्ग आकर बैठे बिल्कुल हरे भरे शार जर्क बर्क हरे लिबास में टोपी दूर जिला लगाए हुए। इसने देखा कि ये तो कोई बुजुर्ग अल्लाह वाले, इसने सलाम किया और उन्होंने जवाब देकर पूछा कि बेटा तुम्हारे चेहरे पर हवाई उड़ रही है, तुम बहुत मायूस उदास हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि हुजूर क्या बताऊं, मैं अपनी जिंदगी की दास्तान क्या सुनाऊं आपको। हमारे माँ बाप बहुत गरीब थे, मैं इकलौता लड़का था, उन्होंने पेट काट काट कर किसी तरह मुझे ग्रेजुएशन तक पढ़ाया। उसके बाद उनकी हिम्मत जवाब दे गई और उम्र भी काफी हो गई। अब मैं जवान हुआ हूं तो मेरे घर में कुछ भी नहीं है, माँ बाप की परवरिश भी करना है, अपनी भी जिम्मेदारी है, खर्च है। अब मैं क्या करूं? तो मैंने मुलाजमत के लिए इधर उधर अप्लाई सप्लाई किया तो जो बचा कुचा था वो सब भी लोग खा गए और कहीं से मेरा काम बना नहीं। उन्होंने कहा बहुत बेवकूफ हो, कितना पैसा तुम्हारा खा गए लोग? कहा हुजूर कितना हम बताएं आपको, लाखों रुपए खा गए लोग मुलाजमत नहीं। कहा बहुत बेवकूफ हो तुम मेरे बाबा के पास आते तो वहां तो बिगड़ी बन जाती है, हजारों को रोजी मिल गई, तुम्हारे लिए भी हो जाता कोई इंतजाम। कहा कैसे बाबा? कहा जी वहां पर लेटे हुए हैं, मैं वहां का मुजाविर हूं, जुमरात के दिन तुम आओ तुम्हारा काम बन जाएगा। तो उसने कहा हुजूर तो वहां क्या लेके जाना पड़ेगा, अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है। कहा 11 रुपए का इंतजाम नहीं कर सकते हो? कहा 11 रुपए का तो हो जाएगा इंतजाम। कहा फूल की चादर भी नहीं खरीद सकते? कहा वो भी हो जाएगा। कहा 11 किलो शीरनी? कहा हुजूर किसी तरह मर्द हंस के वो भी कर देते। कहा बस तुम्हारा काम बन जाएगा, हाथ चिरागी भी रख लेना, शीरनी भी रख लेना और चादर भी रख लेना, जुमरात के रोज आना। उसने पता होता नोट कर लिया और चलते वक्त कहा कि हुजूर देखिए लेकिन मामला नकद होना चाहिए, उधार नहीं होना चाहिए। हमको बहुत से अफसरों ने बहुत से लीडरों ने कहा जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा ही आप भी ना कीजिएगा कि मैं जाऊं तो आप कहते जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसे मैं नहीं आऊंगा लौट कर, जो देना होगा बाबा एकदम दस बदस दे दे मुझे, पक्का वादा कीजिए। तो मुजाविर का ठीक है मैं तुम्हारे लिए लड़ जाऊंगा, तुम इतने दुखी लूटे हुए हो, तुम्हारे लिए तो मैं बाबा से लड़ जाऊंगा, तुम्हें दिलवा दूंगा। कहा ठीक तो फिर मैं भी आ जाऊंगा। बेचारा जुमरात का इंतजार करता रहा। जुमरात का दिन आया तो ये किसी तरह से कर्ज वर्ज लेकर तैयारी करके पहुंचा। वहां पहुंचा तो इसके जैसे बहुत से पहुंचे हुए थे, भीड़ लगी हुई थी। उसी भीड़ में इसने अपना चढ़ावा भी चढ़ा दिया और जो चिरागी लाया था वो भी दे दिया। उसके बाद बाबा के मुजाविर के पास गया कि इनसे मिले, उन्होंने वादा किया था कि एकदम हाथ के हाथ दिलवाएंगे। जाकर उसे कहा सलाम अलैकुम, तो उन्होंने कहा कौन है यहां सलाम करता है आकर के, अभी यहां हमको मौका है बात करने का, भीड़ खत्म होने दो उसके बाद मिलना। बेचारा सिट पिटाया हुआ दिन भर पड़ा रहा ऐसे ही।
जब शाम हुई, भीड़ खत्म हुई, तो ये भूख का मारा हुआ था, दिन भर का थका हुआ था, इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं था, तो पेट में ऐसे ही चूहा कूद रहा था। शाम हुई, थोड़ा सा अंधेरा हुआ, तो ये उनके पास हिम्मत करके गया, मुजाहिद साहब के पास, कहा आप मुझे नहीं पहचान रहे, मैं वही नौजवान हूं जो फला दिन ट्रेन में मिला था। कहा अच्छा अच्छा अब समझ में आ, जाओ खाना खा लो। क्या पूछना था, अंधा खोजे तो आंख, जल्दी से हाथ धोए बैठ गया। उसके बाद रात गुजरी, सुबह नाश्ते के वक्त नहीं भी बुलाया तो ये पहले ही पहुंच गया, फिर दोपहर के खाने में पहुंच गया, अब बुलाने का भी इंतजार नहीं करता है। तो अब ये हरे भरे शाह सोचने लगे कि ये तो बड़ी मुसीबत आ गई है, खाने में हाफ करते रहा है, तो अगले जुमरात तक अगर रह जाएगा तो आमदनी में भी हाफ कर देगा, इसको टाले कैसे। तो उनका बेटा जाओ ना, तुम्हारा काम हो गया। कहा कैसे काम हो गया, हमको तो कुछ मिला ही नहीं, ऐसे तो मेरा बहुत काम हो चुका था। कहा बहुत ना समझो तुम यार, अरे बाबा के यहां से सब काम गायब ही होता है। लगा नहीं नहीं ऐसे सब गायब हो चुका है मेरा, गायबी वायबी नहीं, हमने तो आपसे वादा लिया था कि हाथ पे हाथ होना चाहिए। अब ये रोज उसको इत्मीनान दिलाए और वो कहे कि साहब हमको जो देना है वो नक दे दे, हम वादे पर नहीं जाएंगे यहां से। अब ये करते कराते हफ्ता गुजर गया, बुध का दिन आ गया। अब मुजाहिद सोचने लगा कि अगर ये जुमरात तक रह जाएगा कम्बख्त, तो हर चीज में तो हाफ कर चुका है, तो आमदनी में भी हाफ कर देगा, इसलिए किसी तरह भी इसको जुमरात तक यहां रुकने नहीं देना है। उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम ले ही कर जाओगे यहां से। कहा बिल्कुल, जो भी मिलना है लेकर ही जाऊंगा यहां से, ऐसे वादे पर तो हर लीडर ने सबने मुझे चला दिया था, वही काम यहां भी होने लगा। मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि हाथ में मिलना चाहिए जो देना है। तुम कहा ठीक है, तो आज बाबा से मैं तुम्हारे लिए लड़ जाऊंगा, अब तक मैं तुम्हारे लिए खाली पैरवी करता रहा, सिफारिश करता रहा, आज अगर नहीं देंगे तो आज तो लड़ ही जाऊंगा। तो इसने भी सोचा कि आज तो मेरे लिए जंग हो ही जाएगी। रात भर ये देखता रहा कि क्या जंग में ऊंट किस करवट बैठता है, कब्र वाले कुछ देते हैं कि नहीं, तो वहां तो कोई झगड़ा लड़ाई तो होती नहीं थी, मजार वाले न कुछ देते थे और न कोई उससे बात करता था। ये तो सारा ड्रामा मुजाहिद का था। मुजाहिद ने रात भर सोचा कि इसको टरखावे कैसे, तो उसने देखा कि मेरे पास एक घोड़ी का बच्चा है, वो बच्चा इसको सुबह दे दें और कहेंगे कि बाबा से लड़कर तुम्हारे लिए ये ऑर्डर करवाया है, ये हाथ में लो और चलो यहां से, अब वादा नहीं उधार नहीं है, नक का नक मिल गया और चाबी का काम करेगा ये बच्चा, इससे रोजी का दरवाजा खुल जाएगा। तो नौजवान बेचारा स्कूल कॉलेज का पढ़ा हुआ, उसके दिमाग में अट गया कि भाई ये रूहानी मामला है, हमें क्या पता है, जब घोड़ी का बच्चा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चाबी का काम करेगा, रोजी का दरवाजा खुलेगा, इसके लिए तो चलो कुछ तो मिला, भागते भूत की लंगोटिया बड़ी, चलो भागो। कहा ठीक है हुजूर, हम जा रहे हैं, बच्चे का ऑर्डर किया है ना, और कहा है ना कि इससे दरवाजा खुले, कहा हाँ वो सब एकदम कंप्लीट बात हो चुकी है। कहा ठीक है, तो लाइन में चला, घोड़ी का बच्चा ले के नौजवान चला। तो धूप मई जून का महीना, अब उसके पास किराया भाड़ा भी नहीं, कोई सवारी तो कर नहीं सकता था, पैदल ही चला, और एक मुसीबत गले पड़ गई, वो घोड़ी का बच्चा, सवारी की उम्र को नहीं, उस पर सवार हो नहीं सकता, और बाबा का दिया हुआ तबर उस पर सवार होगा तो बेअदबी हो जाएगी। अब उसको खींचे खींचे चल रहा है, जब इंतहा दर्जे बेदम हो गया, हालत में कांटे पड़ गए, तो किसी ने कहा कि बेहूदा हाथ कांप क्यों रहा है, अल्लाह ने सवारी का जानवर दे रखा, इसमें बैठता क्यों नहीं। किसने कहा कैसे बैठूं, ये तो एक दरबार से तवल्लुक मिला है,
इस पर सवाल कैसे उठा? बेहूदा तबर्रुक मिला है। अरे घोड़ी का बच्चा है, जानवर है, सवारी का तो तबर्रुक है, तो इससे क्या तू इस पर सवारी कर। तो बहुत देर तक उसने बर्दाश्त किया, जब काबू से बाहर मसला हो गया तो उसने सोचा कि थोड़ी देर बैठने में क्या फर्क पड़ता है, बैठ ही जाओ। बैठा तो बच्चा भी तो सवारी तो उम्र का नहीं था, वो तीन रास्ता चल के आया था, जितना ये है तो रास्ता चल के आए थे। खाना पानी उसे भी नहीं मिला था, नतीजा ये हुआ कि एक आध ही किलोमीटर जाते जाते बच्चे ने दम तोड़ दिया, वो घोड़ी का बच्चा मर गया। मर गया तो इस नौजवान ने सोचा कि एक तो गलती हमने की, तबर्रुक की तरहीन कर दी, उस पर बैठ गया, सवार हो गया। अब तो जो होना था हो गया, वो बेअदबी तो हो ही गई, लेकिन अगर इसको ऐसे ही मुर्दा छोड़कर चला जाऊंगा तो चील कौए कुत्ते नोचेंगे और बेहुर्मती होगी, इस तरहीन का आजाद फिर मेरे ऊपर आएगा। अभी तो यही गया है, कहीं मेरा भी नंबर न लग जाए, इसलिए इस तबर्रुक को तोड़ देना चाहिए, गड़े में इसको दफन कर देना चाहिए। बस गड़ा खोद करके मिट्टी में उसको छुपा दिया और साफ कतार रोने लगा, कहने लगा बाबा जब लेना था तो दिया क्यों था, और जब दे दिया था तो लिया क्यों। उधर बाजार से कुछ औरतें लौट रही थी शाम के वक्त अपने घर, तो उन्होंने देखा कि ये बोल रहा है कि बाबा दे दिया था तो लिया क्यों और लेना था तो दिया क्यों। सामने मजा है, लगता है ये बाबा देते लेते हैं। बस उन्होंने अगरबत्ती लोमांग सुलगाया और अपनी अपनी मुराद मांगना शुरू कर दिया। इसने किसी से कुछ नहीं कहा, ये तो खाली रो रहा है कि बाबा आपको लेना था तो दिया क्यों था और दे दिया था तो लिया क्यों। तो अब कोई लड़की मांग रही है, तो कोई लड़का मांग रहा है, तो कोई रोजी मांग रही है, अब चिरागी भी आने लगी और अगले जुमरात को मुर्गा भी बरसने लगा, तो इसने सोचा कि ठीक कहा था उन्होंने कि चाबी का काम करेगा, लगता है अब ताला खुल रहा। हमने तो किसी से कुछ नहीं कहा, आहिस्ते आहिस्ते आमदनी का जरिया पड़ना है। साल गुजरते गुजरते इतना बड़ा उर्स होने लगा उस मजार पर कि वो मुताबिर जहां से ये घोड़ी का बच्चा मिला था उसका मद्दिन पड़ गया। दो साल के बाद उसका हाथ हो गया, चार साल गुजरते गुजरते उर्स साफ हो गया। उसको मालूम हुआ कि इसी इलाके में इतने पहुंचे हुए वली के मजार का इंकशाफ हो गया, बशारत हो गई किसी को, वहां इतना मेला, वहां सबकी मुरादें पूरी हो रही हैं, मैं इतने दिन से इसी एरिया में रहता हूं लेकिन मुझे कभी बशारत नहीं हुई। अगर मुझे मालूम होता कि इतने ही किलोमीटर के फासले पर इतने पहुंचे हुए बुजुर्ग गए तो मैं यहां क्यों रहता, वहीं ना रहता। चलो खैर, अब तो मुझे उस बुजुर्ग के मजार का पता नहीं चला था, किसी अल्लाह के बंदे को ख्वाब हो गया, वो फिर गए किसी शहीद बाबा का मजार, वहां नमूदार हुआ है, वहां सबकी मुरादें पूरी हो रही है, तो हमारा उर्स भी चौपट हो गया, हम भी चल के उनसे कहेंगे जरा इसको भी चमका दी। इस साल इसने भी इरादा किया, ये जब आया तो देखा कि ये तो वही नौजवान है जिसको घोड़ी का बच्चा दिया था, तो ये आकर बोलता है सलाम अलैकुम, तो नीचे ही मलमुड़ी झोंका कटवा दे तुम सलाम, क्या लाए हो, जो लाए हो जल्दी रखो। उसने कहा जरा सा नजर तो उठाई, कहा नजर उठाइए कमीने, यहां नजर उठाने का अर्थ है नजर उठा दूंगा तो जल जाओ, जो लाए हो जल्दी उझल दो। तो ये भी बेचारा डर गया कि भाई जब इतना चमका हुआ ये मजार है और हजारों की मुरादें पूरी हो रही हैं और लाखों लोग आकर के यहां मन्नत मांग रहे हैं, तो वाकई कहीं नजर तिरछी कर दिया तो मामला गड़बड़ ना हो जाए। जो लाया था उलट दिया, किनारे बैठ गया, जब शाम हुई सन्नाटा हुआ, ये अपना समेटने लगा, तो वो करीब आया, कहा कि भाई साहेब इतनी जल्दी नजर बदल गई, आप मुझे नहीं पहचानते।
उसने कहा आप मौका है इनाम से बात करो, कौन सा है? कहा जरा देखिए तो कब देखा तुम्हारी अली, आप आ गए हैं, आप कैसे तशरीफ लाए? ये जब तो आप ही का फैज है, आप ही की इनायत है, आपके बाबा ही का तो कर्म है, वाकई वो चाप ही साबित हुआ। कहा अच्छा आप इत्मीनान हो लीजिए। कहा अब तो इत्मीनान ही इत्मीनान है, आइए खाइए पीजिए, ये सब आपकी जूतियों का सदका है, अल्लाह ने बहुत नवाज दिया है, अब तो रखने की जगह नहीं है, छप्पर फाड़ के खुदा ने दे दिया है, ये सब आपका सदका है, आपके बाबा की इनायत है, हमारा कुछ इसमें दखल नहीं है। जब काफी रात हो गई तो उस आने वाले मुजाविर ने कहा कि बेटे देखो मैं भी एक मुराद लेकर आया हूं, तुम्हारे मजार का बहुत चर्चा है और बहुत लोगों का रुझू होने लगा यहां, तुमको इस बुजुर्ग का पता कैसे चला, कैसे मालूम हुआ कि इतने पहुंचे हुए बली यहां पर लेटे हुए? तो उसने कहा कि देखिए हुजूर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ये सब तो आप ही का सदका है, ना आप अपने बाबा से लड़ के मुझे दिलाते, ना मैं इस दर्जे को पहुंचता, यहां कोई बुजुर्ग बुजुर्ग नहीं लेटे हुए हैं, वो जो बच्चा आपने फोड़ी कर दिया था उसने, यहां कोई खूबी कमाल नहीं है, असल कमाल आपके बुजुर्ग का है कि उनके दिए हुए घोड़ी के बच्चे से मेरी रोजी का ताला खुल गया, मेरा खुद मुकद्दर जाग उठा, ये तो फैज है आपके बाबा का, यहां कोई नहीं है, वहां बताइए कि कौन बनी है। तो उसने कहा कि बेटे जब तुमने अपना राज पास कर दिया तो अब मैं तुमसे अपना राज क्या छुपाऊं, वहां भी कोई नहीं है इसी की अम्मा का, आज देखो कदम कदम पर मजार, कहीं घोड़ा शाह तो कहीं तोता शाह तो कहीं गधा शाह। तो अंग्रेजों ने देखा कि हिंदुस्तान की जमीन बहुत बरखेज है, औलिया तो यहां कमरों से झांक रहे हैं, सर उठा रहे हैं, जरा सा यूरिया सल्फेट मार के देखो इंशाल्लाह एकाध नदी भी उठ जाएगा। बस पूछना क्या है, एक शख्स खोपड़ा खराब, उसने देखा कि अब देर काहे की है, सब दर्जा तो पा ही लिया है, मुजद्दिद हो ही गया हूं, महदी हो ही गया हूं, तो अब मिसले मसीह भी हो जाने में कोई देर करने की जरूरत नहीं है, और सारे नबियों को अंदर अंदर ढुका दो, जब बुनूजी तौर पर नबी बना तो अब किसी नबी को छोड़ना नहीं है, आदम भी मेरे अंदर है और शीश भी मेरे अंदर, और नूह भी है और ईसा भी है और मूसा भी है और मरियम भी। एक मुरीद ने टोका ऐसे उठ पटांग मत हाकिए, अब आप तो ऐसी ऐसी बात करने लगे हैं कि एक बच्चा भी पकड़ देगा कि ये झूठ है फौज है, आप कहते मैं ईसा भी हूं मरियम भी हूं, हां मरियम कोई मामूली मर्तबे की थोड़ी थी, जब सब मर्तबा मिला तो वो भी मिला मुझे, वो तो सिद्दीका थी, तो सिद्दीकियत का मकाम भी मुझे मिल चुका है, इसलिए वो भी मेरे अंदर बुरूस कर गई है। लगा हुजूर आप नबी हैं, औरत कैसे बुरूस करेगी आपके अंदर, आप ईसा भी मरियम, मरियम को तो हर महीने आता था, तो इसने चोटा के कहा कि हमको भी कभी कभी आ जाता। कल बताया था आपको औरत कभी नबी बनाई जा सकती है, जब इसको हैज आ रहा है तो ऊपर से वही कैसे आएगी, इधर से नापाक चीज निकल रही ऊपर से पाक चीज कैसे आएगी, फरिश्ता कैसे आएगा इसके पास, इसका झूठ होना तो ऐसे ही बिल्कुल डिक्लियर है, क्लियर है। याद रखो नबुवत का मनसब तदरीजी नहीं होता है, किसी नबी ने यह नहीं कहा अब मैं मुजद्दिद हो गया हूं, मैं महदी हो गया हूं, मैं मसीह हो गया हूं और अब मैं नबी हुआ, नबुवत का मनसब तदरीजन नहीं मिला करता है, लेकिन ये विलायत से नबुवत लेकर आया था, विलायती नबुवत से डुप्लीकेट, नहीं समझे, अंग्रेजों ने हर चीज का डुप्लीकेट बना दिया है। मेरे भाइयों अब डुप्लीकेट की ओरिजिनल की लड़ाई चल रही है, डुप्लीकेट कहता है हम ही ओरिजिनल है,
ये तो सिंगल चेतीस का है, हमको देखो डबल चेतीस के हैं, इसके पास तो पगड़ी ही नहीं है, हमारे पास देखो 14 अगस्त की कैसी सुनहरी पगड़ी है। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं डबल पैसा। ये सिंगल भी नहीं है मेरे भाइयों। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहेब रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी पते की बात हजरत ने फरमाया। हजरत से किसी आलिम ने पूछा कि हजरत बिदात की क्या तारीफ है, तो मौली साहब तो खुदे बुकरात थे, बहुत बड़े आलिम थे, उनको बिदअत और सुन्नत की तारीफ नहीं मालूम थी, वो तो किताबों में पढ़े हुए थे, लोगों को पढ़ाया करते थे, मुतदरिस थे, उस्ताद थे। तो कारी साहब से पूछने का मतलब यह था कि कोई गुरु की राज की बात हाथ लगे, तो कारी साहब ने कहा कि भाई साहब बिदअत चौपाए जानवर का नाम है। बिदअत किसका नाम है? चौपाए जानवर। कहीं को पड़ी हैरत हुई कि ऐसी तारीफ तो आज तक न कभी सुना न कहीं पढ़ा। इन्होंने कहा हुजूर बिदअत जानवर का नाम है? हाँ हाँ जानवर का, वो भी चार टांग वाले जानवर का नाम है। कहा क्या करता है? कहा इस जानवर की खूबी ये है कि जब हालात इसके मुआफिक होते हैं, साजगार होते हैं, तो चारों टांग निकाल देता है, और अगर माहौल साजगार नहीं होते हैं तो नामुआफिक माहौल में ये एक दो टांग पर भी कनात कर लेता है। तो इनको समझ में नहीं आई कि अजीब सी तारीफ है। इनका हजर चार पांव वाला जानवर बिदत है, तो उसके चारों टांग के नाम बता दीजिए। तो हजरत पारी साहब ने कहा कि उसकी चारों टांग के नाम ये है, खाना पकाना गाना बजाना। ये चार टांगे हैं इस जानवर की, यहां हालात कारगर होंगे चारों टांग निकाल देगा, और नहीं तो कम से कम एक आदमी दो पर करार कर लेगा। आप देख लो बिदअत रंगीन है, अब बिदअती भी रंगीन होगा। सुन्नत सादा है और अहले सुन्नत भी सादा होंगे। बहुत से लोग कहते हैं साहब आप भी कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, वो भी कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, हम जाहिल आदमी हैं, हमको समझ में नहीं आता है, हम इसको माने उसको माने। ये सादा लोग नहीं हैं, ये बड़े खन्नास किस्म के भोले भाले बनकर आते हैं लोग। मेरे भाइयों आपके पास इल्म नहीं है लेकिन आंख तो है। सुन्नत और बिदअत में इसके बाद का कोई माना ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों का कलर क्लियर तौर पर अलग बनाया है। सुन्नत का कलर सादा है, सरवरी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुइस्तु बिल मिल्लतिल हनफियति समहतिल बैज़ा। अल्लाह ने मुझे जो शरीयत देकर भेजा है बहुत सहल और आसान है, और शिर्क के डब्बे से पाक है, और उसका कलर सफेद है, बैला सफेद कलर है। नबी की शरीयत का कलर, सुन्नत का कलर सफेद है, बिदअत का कलर रंगीन है। बिदअत कभी सादा नहीं हो सकती और बिदअत भी कभी सादा नहीं हो सकता है। कुछ नहीं होगा तो एक रुमाले रंगीन ढाल डाल देगा, कमीयत रंगीन, लिबास रंगीन, वजा पता रंगीन, मिजाज रंगीन, और हर बिदअत में टीप टाप। सुन्नत सादा, अहले सुन्नत सादा, कम से कम ये तो जाहिल भी फर्क कर सकता है कि इधर सादगी क्यों है, इसलिए कि ये सुन्नत का रास्ता है। सुन्नत में तसन्नो नहीं है, तकल्लुक नहीं है। अहले सुन्नत सीधे सादे सादा होते हैं। अंबिया बेतकल्लुक और सादा जिंदगी रखते थे, उनकी नजर पर चलने वाले सादा, इनका कलर सादा, उनका कलर रंगीन, आसानी से पता लग जाए। झूठ बोलते हैं आप कि हमको पता नहीं लगता है, पता तो आसानी से लग जाता है। ये कैसे हो सकता है कि सियाह और सफेद में तमीज ना हो पाए? सुन्नत के अपोजिट और मुखालिफ का नाम है बिदअत,
سنت کا رخ مدینے کی طرف جاتا ہے اور بدعت کا رخ دوسرے سرکار کی طرف جائے گا. سرکار مدینہ کے خلاف ایک سرکار بریلی نکل گئی. سنت کا پلیٹ فارم جنت ہے اور بدعت کا پلیٹ فارم جہنم ہے. ایک اپ ٹرین ہے ایک ڈاؤن ٹرین ہے. دونوں بہت نمایاں فرق ہے اور دونوں کو آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر دیکھو, ایک اذان سنت ہے اور ایک اذان بدعت ہے. ایک سجدہ سنت والا ہے, ایک سجدہ بدعت والا ہے. سنت والے سجدے کے لیے جماعتیں کام کر رہی ہیں, اللہ کے گھر کو اللہ کے سجدوں سے آباد کیا جائے. جو مسجد ویران ہے جہاں نمازی نہیں آتے, چراغ نہیں جلتا, ایمان والے کہنے کو رہتے ہیں وہاں, ان کے پاس پہنچ کر خوشامد کر کے برآمد کر کے ان کو لایا جاتا ہے مسجد میں. مسجدوں کو سجدے سے آباد کیا جاتا ہے, اذانیں دلائی جاتی ہیں. اس کے اپوزٹ والے کہتے ہیں کہ سجدے والے بوریا بستر لے کر آئے ہیں, نماز والے اذان والے پھینکو ان کا باہر. اچھی بوریا بستر باہر پھینک دیں تو اذان نماز کا کیا ہوگا؟ اذان مسجد میں مت دو, ہم جگہ دیتے ہیں اس کی قبر پر. اچھا اذان لے گئے قبر پر تو سجدہ کا اس کی بھی جگہ ہم بنا دیتے ہیں قبر پر. یاد رکھو بدعتی ہمیشہ بھیڑ لگائے گا قبروں کے اوپر, اس کی بھیڑ اس کا رخ ادھر ہوگا, اور جو اہل سنت ہے ان کا رخ ادھر ہوگا. ان کا قبلہ الگ ہے, ان کا قبلہ الگ ہے. ان کا چراغ مسجدوں میں جلے گا, ان کی مسجدیں آباد ہوگی, بار رونق ہوگی. وہاں قبروں پر چراغ جلے گا, بھیڑ بھڑک کا وہاں ہوگا. دونوں دو اپوزٹ رخ پر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ شاید کون اذان سنت ہے کون اذان بدعت ہے. ہم تو جاہل آدمی ہیں, دیکھتے ہیں کہ جو کلمہ اذان میں وہ بولتا ہے وہی کلمہ یہاں یہ بھی اذان میں بولتا ہے. ارے بھائی کلمہ ایک بولتا ہے لیکن سنت کی اذان اور بدعت کی اذان میں بہت نمایاں فرق ہے. اذان اور نماز دونوں اگر ادا کرنی ہے تو پہلے نماز پڑھو گے کہ پہلے اذان؟ آپ لوگ تو بہت آسانی سے کہہ دیں گے ہم لوگ تو نہ نماز ہی پڑھتے ہیں نہ اذان ہی دیتے ہیں, ہم کو کیا مطلب نماز وماز. اگر نماز بھی پڑھنی ہے اذان بھی دینی ہے تو سنت میں ترتیب کیا ہے شریعت میں؟ اذان پہلے کہ نماز پہلے؟ نہیں, آج تو جلسے کا دن ہے, زیادہ رات ہونے پر یہاں سے جاؤ گے امام مؤذن سو جاؤ گے, آنکھ کھلے گی بہت تھوڑا سا وقت رہے گا, تو مختصرے میں اعلان کر دو کہ بھائیو بزرگو بہت ٹائم نہیں ہے کہ لمبی اذان دی جائیے, آپ تو تشریف لے آئیے, جلدی سے جماعت کر لیا جائے, بعد میں دیکھا جائے گا موقع رہے گا تو اذان دے دیں گے. تو چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ اذان بعد میں نماز پہلے چلے گا؟ نہیں چلے گا. سنت کی اذان نماز سے پہلے اور بدعت کی اذان نماز کے بعد. قبر پر جو لوگ اذان دیتے ہیں نماز پہلے پڑھ لیتے ہیں نا, اذان بعد میں دیتے ہیں. اور سنت کی اذان ہمیشہ نماز کے پہلے ہوگی. مرنے والے کی بھی اذان ہو چکی ہے, مرتے ہیں لوگ بعد میں نا, پیدا پہلے ہوتے ہیں. یہاں ہم نے سنا کہ الٹا معاملہ ہوتا ہے, لوگ پہلے مر جاتے ہیں. پہلے لوگ آئیں گے تب نہ جائیں گے. جب آیا تھا تو اس کے داہنے کان میں اس کی اذان بھی دے دی گئی تھی اور بائیں کان میں اقامت بھی بول دی گئی تھی. اذان بھی ہو چکی, اقامت بھی ہو چکی, اب کیا باقی ہے؟ نماز. ایسا لگتا ہے کہ جب یہ حضرت آئے تھے تو ان کے گھر والے ڈھول بجا رہے تھے, تھالی پیٹ رہے تھے, مٹھائی بانٹ رہے تھے, اذان اقامت دی نہیں تھی. اب یہ پڑھ کے مولوی علامہ ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ ادھر نہیں ادھر, ادھر تو گڑبڑ ہو گیا, تو ادھر صحیح کر دو.
एक जगह में गया एक साहब की तजवीज तकवीन में, तो सारे लोग दफन करके चले आ रहे हैं। मौली साहब अड़े हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी की तरह। अरे बाबा तुम भी क्या इसी के साथ ही जाओगे? तुम क्यों आजान काहे की आजान? आजान काहे की? क्योंकि बड़ा फायदा होता है। मैंने आपको कल बताया था कि फायदा देखना ये कारबारी जहन है। शरीयत में फायदा नहीं देखा जाता है, कायदा देखा जाता है। शरीयत के मसाइल का मदार कायदे के ऊपर है, फायदे के ऊपर नहीं है। लेकिन खान साहब का खोपड़ा खराब। ये तो बिरादरी ही ऐसी है कि 60 बरस के बाद तो बालिग होती है। अकल कहां से आ गई? खोपड़ा उल्टा। बढ़ाया भी तो उलट के बढ़ा दिया। नमाज के पहले अगर अजान दिलवा देता तो कुछ मेकअप भी होता और शायद के नहीं पकड़ी जाती चोरी। अल्लाह ने खोपड़ा उलट दिया कि नहीं बेटे, मेरे नबी के तरीके में अजान नमाज के पहले है, अब तुमको इजाद करना है अपनी शरीयत, तो तुम पहले नहीं बाद में। अब बाद में अजान चालू कर दिया। तो मैंने पूछा मैं काहे की अजान दोगे? कह कब्र पर अजान। क्यों? अल्लाह के नबी के जमाने में कब्र नहीं होती थी क्या? मुर्दे लोग आग में जलाए जाते थे, पानी में बहाए जाते थे। अल्लाह के नबी ने उहद के शहीदों को दफन किया, बद्र के शहीदों को दफन किया, अपने अजीजों को दफन किया। अल्लाह के पैगंबर ने बताया कि कब्र पर मिट्टी कैसे दी जाए। औरत का जनाजा हो तो कहे कफन के कपड़े दिए जाए, मर्द का हो तो कैसे दिया जाए कफन, बच्चा हो तो कौन सी दुआ पढ़ी जाए, बालिग हो तो कौन, एक एक बात मुर्दे के सिलसिले में अल्लाह के पैगंबर ने बता दी। अल्लाह के नबी ने यह नहीं बताया कि अजान भी देना मजार के ऊपर, कब्र के ऊपर। कब्रें भी थी, अजान देने वाले भी थे और अजाने होती भी थी, लेकिन यहां अजान नहीं थी। यह मौका अजान का नहीं है। कहने लगे आपको नहीं मालूम है शैतान घुस जाता है। अरे बाबा शैतान कब्र में काहे को आ जाएगा? ये कब्र घुसवा शैतान कहां से आया है? हुजूर के जमाने में था नहीं, सहाबा के जमाने में था नहीं, और आज से 150 साल पहले तक नहीं था। ये कमबख्ती का मारा लगता है जब से बरेली में मदरसा खुला शैतान है वहां से खुल गया, कब्रों में ढूंढने लगा। ऐसा तो नहीं कि उसने देखा कि आप बहुत चेले चपाटे हो गए हैं तो बंटवारा कर लो, तो ऊपर तुम संभालो और हम अंडरग्राउंड काम स्टार्ट करते हैं। आया कहां से ये शैतान? कहने लगे आप तो बाल की खाल निकालते हैं। शैतान कब्र में घुस जाता है, रिवायत में आता है, और हकीम तिर्मिजी ने नकल किया होंगे सब। जादी फादी रिवायत को तुम रिवायत करते हो। शैतान नेक काम से रोका करता है, अब बुरे काम पर लगाया करता है। जब आदमी मर गया तो अब इसके अमल का सिलसिला ही खत्म हो गया। सर्वर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती जा मातल इंसान इन कतान हो अमल हो। जब आदमी की मौत आते हुई अमल का सिलसिला खत्म हो गया, अब उसको न सच बोलना है, न झूठ बोलना है, न नमाज पढ़नी है, न नमाज छोड़ना है, न हज के लिए जाना है, न जकात निकालना है। कोई नेक अमल करना नहीं कि शैतान आए डिस्टर्ब करने के लिए, और कोई बुराई करनी नहीं है कि शैतान आए हेल्प करने के लिए। कब्र में शैतान का कोई काम ही नहीं है, वहां शैतान काहे के लिए आएगा? कहीं आपको नहीं मालूम है आता है? जो हो सकता है भाई तुम लोग की कब्र में आ जाता हो, जब जिंदगी में तुम्हारी उसके साथ दोस्ती रही होगी तो वो आ जाता होगा। अच्छा साहब कब्र में आ ही गया शैतान तो आप अजान क्यों देते हैं? कहना हम मदद करते हैं मुर्दे की। कैसे मदद करते हो भाई? कहते हैं देखिए शैतान जब कब्र में आ जाता है और लोग दफन करके चले जाते हैं तो मुनकर नकीर भी आते हैं, सवाल जवाब होता है। अब फरिश्ता पूछता है मन रब्बू का, तेरा रब कौन? तो शैतान कोने में खड़ा रहता है, वो मुर्दे को कहता है भूल देना मेरे बारे में कि मैं रब हूं। वो इशारा देता है कि मैं ही तेरा रब हूं, बोल दे। तो मुर्दा कहीं बोल न दे कि हाजा रब्बी। इसलिए आज तक जमीन पर लग
कोई फैक्ट्री ऐसी बनी है और न कहीं पाई जाती है और न कहीं पाई जाएगी जहां दीन बनता हो। दीन का हर मसला मेड इन अर्श है, कोई मसला मेड इन देवबंद नहीं, मेड इन बरेली नहीं, मेड इन सऊदीया नहीं है। दीन का मदार वही के ऊपर है और इसीलिए अंबिया दीन लेकर आते हैं, जिन पर वही आती है दीन वही लेकर आते हैं। दीन का रिश्ता वही से है, कयास उसमें इजाफा नहीं करता है, कयास जाहिर करता है उसकी छुपी हुई हकीकतों को। इसलिए मुज्तहिद दीन बनाया नहीं करता है, दीन के मख्फी मसाइल को जाहिर करता है। किताबों में लिखा हुआ कयास मुजिर ला मुस्बित, कयास इस बात की दलील नहीं है, वो इजहार का काम करता है। छुपे हुए नसूस में जो मसाइल है मुस्तहिद अपने इल्म के फावड़े से उस पर जो गर्द गुबार तह बता बैठे हुए उसको हटाते 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 अंदर की तह से उसको नुमाया कर देता है। इसे अरबी में इस्तिम्बात कहा जाता है। इस्तिम्बात के असल माना है जमीन से खोद कर पानी निकालना। या कुआं खोदा जाता है तो गड़ा खोदने के बाद ऊपर से पानी डाल देते हैं, उसमें पानी डाला नहीं जाता है, पानी निकाला जाता है। पानी वहां मौजूद है पहले से, तह बता उस पर मिट्टी के टूटे जमे हुए हैं। मजदूर अपनी कद्दो काबिश से मेहनत से अपनी जिस्मानी ताकत से फावड़े चला चला करके वो मिट्टी के टूटे हटाते 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 वहां तक पहुंच जाता है कि वो छुपा हुआ पानी जाहिर हो जाता है। मुज्तहिद का काम है कयास के जरिए से नसूस की तहों में जो मसाइल छुपे हुए उसको जाहिर करना। इसलिए अल कयास मुज़हिरुन कहा गया और साथ साथ कह दिया गया ला मुस्बितुन, वो मसाइल का इजाफा नहीं करता है। मसाइल तहों में नसूस के हैं, हर एक को नजर नहीं आ रहे। इसलिए बेवकूफ लोग कह देते हैं कि ये मसला नहीं है, ना कुरान में है ना हदीस में। भाई कुरान हदीस में कैसे नजर आएगा तुमको, कैसे नजर आएगा? कुरान हदीस की तो सतह दो है ना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिकुल्ले आयतिन ज़ाहिरुन व बातिनुन, एक जाहिरी सतह एक बातनी सतह है। समंदर की जैसे दो सतह होती है, एक अंदर की सतह है एक ऊपर की सतह है। ऊपर की सतह में बुलबुला पैदा होता है, अंदर की सतह में सीप पैदा होता है। ऊपर ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा, केकड़ा मछली कछुआ ये सब मिलेगा। अब अंदर जरा उतर के देखो, सीप मिलेगा, मोती मिलेगा, कीमती कीमती दौलत अंदर की सतह में। अब एक आदमी ऊपर ही ऊपर समंदर पार हो गया, उस पारने वाले ने पूछा कि आप तो समंदर पार होकर आए हैं तो आपको मोती मिला? उन्होंने कहा बहुत बेवकूफ, समंदर में मोती कहां होता है, हम तो बहुत ढूंढते रहे देखा कहीं मोती नहीं मिला। कछुआ होता है, केकड़ा होता है, कुछ मछली उछली होती है। तो बेटे तुम तो ऊपर ही ऊपर गुजरे हो, तुमको क्या मिलेगा, नीचे कभी उतर के देखो तो मोती वही होता है समंदर में। जिन्होंने गवासी की है अंदर की तहकीक, उन्होंने इस्तिम्बात के फराइज अंजाम दिए हैं, अपनी जान को जोखिम में डाला है, अंदर की सतह में पहुंचे, उन्हें हीरे जवाहरात और मोती दस्तियाब हो गए। और जो असाबे जवाहिर है ऊपर से ऊपर गुजर गए तो उनको क्या हाथ लगा, बुलबुला लगा, बहुत तीर मारा तो कुछ केकड़ा कछुआ जमा कर। और पूछो उनसे कहेंगे उसमें है ही नहीं, ये तो अपने बाप के घर से लाया है। बाप के घर से कोई मुस्तहिद नहीं लाया है, उसी समंदर की तह में वो सारे हीरे जवाहरात और मोतियां हैं जिसके ऊपर की सतह से तुम गुजरकर खाली हाथ लौट आए हो। समझ में आता है? माशाल्लाह आप लोग तो बहुत समझदार लोग हैं, 12 बजे रात में भी समझ में आता है। हम लोग ऐसे बेवकूफ लोग हैं कि 12 बजे दिन में भी समझ नहीं पाते। और आप में तो बाजे लोग ऐसे हैं कि सो के समझ रहे हैं। अगर मुझे पहले बता दिया गया होता कि यहाँ के लोग सो कर भी समझते हैं तो हम भी सो के समझा। हम तो बेवकूफ चीजें सादे आदमी, हमने समझा कि जाग ही कर समझा जाता है। लेकिन माशाल्लाह आप में से बहुत से लोग अर्श का तवाफ कर रहे हैं, वहीं से समझ रहे हैं।
मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तवज्जो से समाज फरमाने की जरूरत है। ये बिजनेस कारोबार है जिसे उर्स कहते हैं, जिसे बुजुर्गों के मजार की जियारत कहते हैं। शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सरवरी कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पर पर्दा देखा। हुजूर जिहाद में चले गए थे, जिहाद से लौट कर आए तो हजरत फातिमा के दरवाजे पर पर्दा देखा। हजरत फातिमा जब तक रसूलुल्लाह मदीने में थे उन्होंने पर्दा दरवाजे पर नहीं लगाया था। हुजूर जब मदीने से गायब हो गए, आपके गैबूवत और गैर हाजिरी के जमाने में मौका मिला, दरवाजे पर पर्दा लगा दिया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि सफर में जाते थे तो आखिरी मुलाकात सबके बाद मुलाकात सैयदा फातिमा से करके और तब सफर में जाते थे। और आपकी आदत शरीफा ये थी कि सफर से लौट कर आते तो सबसे पहले हजरत फातिमा से मुलाकात करते थे। हुजूर सफर से लौट कर आए तो अपनी आदत के मुताबिक हजरत फातिमा के घर की तरफ सबसे पहले, तो घर का दरवाजा एकदम भीतर में होता है ना, घर का दरवाजा तो बाहरी हिस्से में होता है। हुजूर जब उस रास्ते पर, घर के जाने वाले रास्ते पर पहुंचे, दूर से देखा कि पर्दा लटका हुआ है। जब यहां से गए थे आखिरी मुलाकात करके तो दरवाजे पर पर्दा नहीं था, आए तो देखा पर्दा है। बाल मुहद्दिसीन किराम गलत किस्म की तावील कर रहे हैं कि दरवाजे पर जो पर्दा था उसमें तस्वीरें थी जानदार की, कहीं को तस्वीर रहेगी। अल्फाज बता रहे हैं वक़द अल्लकत मिसहन और सितरन, चांद का नहायत सादा सा मामूली कोई मुनक्कश और बातस्वीर पर्दा नहीं था, असल में इनको धोखा लगा। ऐसे ही एक वाकया सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का है, वहां बातस्वीर पर्दा था, यहां उठा के तस्वीर चस्पा कर दिया। असल ये है कि बड़ों की शान बड़ी होनी चाहिए, जो चीज छोटों के लिए जायज होती है बड़ों के लिए नाजायज हो जाती है। जिस चीज की छोटों के लिए गुंजाइश होती है बड़ों के लिए उसकी भी गुंजाइश नहीं होती है। आप मिसाल से समझना चाहो बहुत आसानी से समझ लो, शर्ट पतलून पहनते हैं आप लोग, जायज है कि नाजायज है? शुरू शुरू में जब अंग्रेजों ने यह तोहफा दिया था, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू ये नहीं जानता था कि पतलून शर्ट भी पहनने की चीज है। या तो दो ही कौम रहती थी, या तो धोती परसाद या टोपी परसाद। कल आगे की सर्दी हो तब भी आप रवे की धोती पहनता था, आप बाजारों और मार्केटों में जाना हो तब भी ये टोपी लगा लेता था, न ये चुनकी छोड़ता था और न ये दाढ़ी काटता था। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने एक फलसफा दिया कि भांत भांत का लिबास और तरह तरह रंग बिरंग की शक्लों से आपस में भावनाएं पैदा होती हैं, सब इंसान एक समान हो जाओ। कितना शानदार नारा लगाया। इनको समझ में आया नहीं कि इसके पीछे क्या सियासत है। इन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, सारे इंसान एक समान हो जाएं, भांत भांत का लिबास रंग बिरंग का चेहरा इसे खत्म करो, इससे भावनाएं पैदा होती हैं। चुनकी वाला दाढ़ी वाले को देखता है आवश्यक मालूम होती है, दाढ़ी वाला चुनकी वाले को देखता है नफरत महसूस करता है, टोपी वाले को धोती वाला देखता है बहुत वहशत महसूस करता है, और धोती वाले को टोपी वाला। इसलिए सब धोती टोपी उतारो, चुरकी दाढ़ी साफ करो, दोनों का चेहरा एयरपोर्ट हो गया। और टोपी भी चली गई और धोती भी चली गई, शर्ट पतलून में सारे इंसान एक समान हो गए। और तुमने तो सुना कि सारे इंसान एक समान हो रहे हैं तो इसने सोचा कि हम का जानवर है, हम भी तो इंसान हैं, तो हमको भी तो बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। बस कितनी औरतों ने बाल कटा लिए, शर्ट पतलून चढ़ा लिए, अब जहां जहां मगरबियत का इंतहा दर्जा गलबा है वहां तो सूरत हाल ये है कि क्वालिटी ही का पता नहीं चलता। हमारे जैसा बेवकूफ आदमी सामने खड़ा है उसको हम लोग बागौर देख रहे हैं, समझ ही में नहीं आता है कि लेडी है कि लेडा। वाकई क्या अंग्रेजों ने जादू चलाया मेरे भाइयों। अब जो लोग टोपी उतार दिए बाजारों में, तो अब
टोपी पाकिटों में रखने लगे। जब मस्जिद में आते थे टोपी सर पर आ जाती थी, बाजार में जाते थे टोपी पाकिट में आ जाती थी। अंग्रेज ने देखा गरीब तो बड़ी होशियार है, आधा इधर आधा उधर है, मस्जिद में जाता है तो नबी वाली और इस्लामी तहजीब में आ जाता है, बाजार में आता है तो मेरी तहजीब में आता है, हमारी तो जंग है आर पार की, इसलिए आधा इधर आधा उधर छोड़ो बेटे, 16 आना इधर या 16 आना उधर। तो इसने कहा ठीक है, जब 16 आना ही आप चाहते हैं तो अब टोपी हम मस्जिद से भी गायब करते हैं। शुरू शुरू में मार्केट से गई, अब टोपी मस्जिदों से गई। एक साहब मेरे बाजू में नमाज पढ़ रहे थे, लंगे सर। तो मैं तो कोई बहुत बड़ा वली नहीं हूं, मैं तो बदमाश किस्म का मौलवी हूं। अल्लाह मियां ने दीदा भी बनाया है तो स्क्रू ढीला कर दिया है, आंख का दीदा टाइट स्क्रू पर तो नहीं है, जरा जरा इधर उधर लुढ़क ही जाएगा तो इधर उधर तो नजर आएगा। तो बाजू वाले को देखा कि नंगे ही सर पढ़ रहा है, उसकी नमाज हुई कि नहीं हुई, मेरी नमाज में तो गड़बड़ रहा। सलाम फेरती मैंने पूछा कि भाई साहब आपने टोपी क्यों नहीं लगाया, टोपी थी नहीं या जानकर नहीं लगाया। वो कहने लगा मैं सऊदीया में रहता हूं। मैंने कहा सऊदीया में रहने से तुम कुछ मौलाना हो गए क्या, यहां से तुमको फीटर बनाकर भेजा गया था, बिल्डर बनाकर भेजा गया था, इलेक्ट्रीशियन बनाकर भेजा गया था, तुम 2-3 साल सऊदीया में रहे तो अल्लामा मुहद्दिस बन गए। सऊदीया बड़ी अजीब मुल्क है भाई। कहने लगा साबित नहीं है। कौन चीज साबित नहीं है? टोपी साबित नहीं है। कलवे की लहर तो दिमाग पर आ गई। मैंने कहा बेटे साबित और मद में साबित की तुम बहस करते हो, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम टोपी को साबित कह रहे हो कि नहीं है, तो ये पतलून जो पहने हुए हो ये साबित है क्या? टोपी साबित नहीं निकाल दिया तो पतलून भी साबित नहीं, ये भी निकाल दो, ऑल इंडिया फ्री हो जाओ। तो मैंने लगा मौलाना साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम बहुत खतरनाक है, नाम सुन लोगे वो जो टूट जाए, इसलिए नाम नाम पूछने की जरूरत नहीं है। तुम सीधी सीधी बात बताओ टोपी लगाया क्यों नहीं? कहने लगा नमाज हो जाती है। हमने कहा तुम मुफ्ती नहीं हो, तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि नमाज होती है कि नहीं होती, ये बता के लगाया क्यों? कहने लगा कि भाई आप तो बहुत टेढ़े आदमी मालूम होते हैं। उनका टेढ़े ही सिर्फ नहीं है, बहुत खचड़े भी हैं, तुमको अभी 2 मिनट में पता लगेगा। क्या मैं सऊदीया में रहता हूँ? मैंने कहा सऊदीया में गधे नहीं होते हैं क्या? यहाँ से तुमको आदमी बनाकर भेजा था, वहां से गधे बनकर तुम चले आए? सऊदीया में आलिम बनने के लिए कोर्स पढ़ाया जाता है, मदरसे हैं, तुम वेल्डिंग का काम करते करते वहां किस बन गए? क्या सऊदीया में मदरसे नहीं है? वहां निसाब नहीं पढ़ाया जाता? आलिम बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है? तुम झूठ बोलते हो। सऊदीया में जाने से तुमको हदीस मालूम हो गई, तुम्हारा खोपड़ा खराब हो गया है। कौन सी हदीस की किताब में तुमने तलाश किया कि तुमको रिवायत नहीं मिली, टोपी की साबित नहीं मिली? कहने बुखारी शरीफ में नहीं है। हमने कहा बुखारी तुमने देखा है? तुमको ढंग है बुखारी देखने का? हदीस की कोई किताब नहीं है जिसमें टोपी का तस्करा ना हो, बुखारी में भी है हदीस, बुखारी में है। हमने कहा जी बुखारी में भी हो तो बुखार छोड़ाने वाली किताब। इमाम बुखारी सीधा मुहद्दिस तो है नहीं, तो बहुत टेढ़ा है, अपनी जगह पर कोई रिवायत नहीं लाएगा, बेजगह लाएगा। तलाश करना पड़ता है, तुम जहां पर तलाश करोगे वहां मिलेगी नहीं। तो नहीं देखा तुमने चारे वर्ष बुखारी की पढ़ा है? तुम तो होटल में बुखारी पढ़ने वाले हो, तुमको क्या बुखारी समझ में आएगी? अखबार की तरह बुखारी पढ़ते हो, 4 रिवायत पढ़ते में लिखी और लेकर के वही बुखारी 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 रटते रहते हो। बुखारी ऐसी किताब नहीं है, हमारे यहां उसकी बड़ी अजमत है। 8 साल तालिब इल्म को मेहनत कराते हैं, तब हम देखते हैं कि ये लड़का इस लायक हो गया कि अब बुखारी इसके हाथ में दी जाए। हमारे यहां बुखारी की इतनी अहमियत है, और तुम 4 बरस की किताब लेके और होटल में बैठ के बुखारी स्टार्ट कर देते हो, तो फर्क है हमारे तुम्हारे में। तुम बुखारी क्या समझोगे जो हम जानते हैं? तो आंख फाड़ के देखने लगा बुखारी में है? हमें है कहां पर है? हमने कहा याद है तुमको? कहना है खोज ले। हम कहा अच्छे बेटा खोज लोगे तो मैं बता देता हूं।
امام بخاری ایک باب کی سرخی قائم کرتے ہیں، باب السجود علی الصور فی شدت الحر، زمین تپی ہوئی ہو، گرم زمین ہو، تو اگر کوئی گرم زمین پر کپڑے پر سجدہ کرے، ڈائریکٹ پیشانی زمین پر نہ رکھے تو چلے گا؟ کیا اس کی گنجائش ہے؟ تو اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے روایت نقل کیا اس بات کے تحت، قال الحسن کان القوم یسجدون علی امامتہم وقلنسوتہم، میں نے صحابہ کی جماعت کو دیکھا ہے تبکین زمین پر جب سجدہ کرنا ہوتا تھا پیشانی زمین پر ڈائریکٹ نہ رکھ کر کے ذرا ٹوپی امامہ آگے جھکا لیتے تھے اور اس کپڑے پر سجدہ کر لیتے تھے، دیکھو بیٹے ٹوپی ہوتی تھی نماز کی حالت میں کتنا سیدھے سیدھے لکھا ہوا ہے، اب بیچارہ کبھی بغل کھجلانے لگا، کبھی سر کھجلانے لگا، کہنے لگا مولانا صاحب نام بتا دیجیے، میں نے کہا نام مت پوچھو، ہمارا کام یہی ہے، جب میں وہاں سے چلا آیا تو دوسرے سے پوچھ رہا ہی کون مودی صاحب تھے، دوسرے کا بہت خطرناک مودی صاحب، ان سے مت لگنا، کہہ رہے بھائی آج تو ہماری حجامت بنا دیا، حالانکہ ہم نے نہ استورا چلایا تھا نہ پینٹ، وہ تو ابھی محفوظ تھا، وہ چلا دیتے تو ڈھنگ سے حجامت بن جاتی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج کی دنیا میں عجیب عجیب فتنے ہیں، حدیث کے نام پر حدیث نفس چل رہی ہے، سنت کے نام پر دبلی پیرٹ، یہ ملک ایسا ہو گیا ہے کہ جتنے نااہل تھے سب اہل ہو گئے، دیکھو جس کو قرآن سے کوئی تعلق نہیں وہ اہل قرآن ہو گیا، ہم لوگ کیا ہیں؟ اہل گیتا رامائن ہیں، سوچو جتنا قرآن دیوبند میں پڑھا گیا اور جتنا قرآن پڑھنے والے دیوبند نے پیدا کیے اور جتنا قرآن پر لکھا علماء دیوبند نے، اس کا ہزاروں گنا بھی اس اہل قرآن نے قرآن کی خدمت نہیں کی ہے، لیکن زبردستی براجمان ہو گیا ہم اہل قرآن، تو ہم پوچھتے ہیں ہم لوگ کیا اہل وید رامائن گیتا ہے؟ ہم لوگ نام کے لیے نہیں لڑتے ہیں، ہمارا ہے کام کرنا، کام کرو خود بخود نام ہو جائے گا، نام کے لیے مت لڑو، اب ایک قرآن لے کے بھاگ گیا تو دوسرے نے کہا کہ اب ایک کے بچا ہے جلدی سے دخل کرو، بس یہ کود کے آئے گا محل حدیث، ارے بابا تم محل حدیث تو ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ اہل خبیث ہیں کیا؟ بتاؤ حدیث تم نے کہاں سے پڑھی، کہاں سے تم کو حدیث ملی؟ اس ملک کے اندر جتنے بڑے بڑے غیر مقلد عالم گزرے ہیں سب کو حدیث پڑھایا ہے ہنبیوں نے، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری اس ہندوستان میں اہل حدیث طبقے کے سب سے بڑے ممتاز عالم اپنے دور کے، انہوں نے حدیث پڑھی دیوبند میں، مولانا محمود حسن دیوبندی کے شاگرد تھے، بتاؤ استاد نے حدیث پڑھایا، حدیث کی ہوا ملی ان کو، زکات بھر ملا، اب ہو گئے یہی حدیث والے، اور شیخ الہند ہو گئے بے حدیث، زکات دیا وہ سیٹ ہو گئے، اور جس نے نکالا وہ فقیر ہو گیا۔ مولانا سید نذیر حسین دہلوی شیخ الکل فی الکل، یہ سب سے بڑے اہل حدیث کے عالم، حدیث کہاں پڑھی؟ شاہی صاحب محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے خاندان سے، ہنفیوں سے، ہنفیوں نے حدیث پڑھایا تو تھوڑا سا تم کو مزہ چکھا دیا، اب تم حدیث والے ہو گئے، اور سب ہنفی بے حدیث ہو گئے، یہ دھاندلی دیکھیے، یہ بش کا گروپ ہے جی، وہ بم مارتا ہے تو امن کے جھرنے پھوٹتے ہیں، عام تسبیح پڑھتے ہیں تو غلبات پھیلتا ہے، زور زبردستی، یہ حدیث لے کے بھاگ گیا تو اب ایک خان صاحب بچے، انہوں نے کہا ارے باپ قرآن لے کے وہ چلا گیا، حدیث لے کے وہ چلا گیا، تب ایک تو سنت بچی ہوئی ہے، بس آپ دیکھا نہ تھا یہ بھی کود کر کے ہم اہلے سنت، ارے بابا سنت کہاں ہے تمہارے اندر، چہرے میں سنت ہے نہیں، لباس میں سنت ہے نہیں، شادی میں سنت ہے نہیں، موت میں سنت ہے نہیں، تمہاری زندگی کے دور دراز تک کسی گوشے میں سنت کا نام نہیں ہے، تم کیسے اہل سنت ہو؟ سنت پر عمل ہم کریں اور تم اہل سنت ہو جاؤ، شادی ہم کر کے لاویں اور یہ دھمکی کے طلاق نہیں دے، نہیں دے،
हमने एक नौजवान से पूछा किसको धमकी दे रहा है, तलाक नहीं देंगे, शादी हो गई है। लगा नहीं शादी नहीं हुई तो इससे क्या। अरे बाबा जब शादी नहीं हुई तो क्यों धमकी देना, तलाक नहीं देने का, आपकी बीवी को, हमारी बीवी को तुम कौन तलाक देने वाला। बीवी मेरी शादी करके हम लायक, तुम धमकी दे रहे हो तलाक नहीं देंगे। बिल्कुल यही सूरत यार है, गौश का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे बेवकूफ पकड़ा हमने, तुम पकड़े कब, गौश और खाजा के दामन से तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है। सो हम तो उस चादर दादर वाले हो, गौश और खाजा तो उस चादर दादर वाले नहीं थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पीर थे, शेख उस्मान हारूनी के मरीद थे। ये पीर का इंतकाल पहले हुआ, ख्वाजा साहब का बाद में हुआ। दिखाओ कि ख्वाजा साहब ने अपने पीर के मजार पर उर्स मनाया था, मेला लगाया था, कभी चादर चढ़ाई थी। ख्वाजा साहब ने कभी किसी वली के मजार पर ना उर्स किया ना अपने पीर के कब्र पर चादर चढ़ाया। तुम उनके तरीके के खिलाफ चल रहे हो तो ख्वाजा का दामन तुम्हारे हाथ में कहां है, दामन तो मेरे हाथ में है, ख्वाजा वाले तो हम हैं। दामन हम पकड़ा और उल्लू ये वाला नहीं छोड़ेंगे, छोड़ नहीं सकता। पहले पकड़ा जाता है कि पहले ही छोड़ने की बात कर दिया, तो पहले शादी किया ना कि तलाक नहीं देंगे। ये ढकोसला इसलिए कर रहा है कि सुनने वाला समझे कि ये भी बीवी वाला है, हालांकि तो बीवी वाला है ये नहीं है। कम वक्ति हमारा छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, इसका काम छोड़ना ना छोड़ना थोड़ी, तो पकड़ा भी नहीं है। सिले गौश और खाजा के दामन में नमाज है, जिनको तुम गौसुल आजम कहते हो उन्होंने किसी पे नमाजी की उम्र भर जनाजा नहीं पड़ी है। कोई माई दलाल नहीं दिखा सकता है कि ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी बेनमाजी मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ी हो। तुम कैसे गौश के मानने वाले हो कि खुद ही बेनमाजी हो। पता ये चला दामन उलमाए देवबंद के हाथ में है और ये उल्लू बनाते हैं कि हम गौश और ख्वाजा वाले हैं, बीवी हम लाए हैं, ये धमकी देते हैं तलाक नहीं देंगे। बताओ मेरी बीवी को तलाक देने वाले कौन तुम हो। सुन्नत मेरे पास, लिबास हमारा सुन्नत के मुताबिक मिलेगा। ये ताना देते हैं कि बड़े भाई का पजामा, अरे बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा। देखोगे इनको 24 नंबर वालों को कुर्ता नीचा रहेगा जैसे बड़े भाई का कुर्ता, और पजामा उतंग रहेगा जैसे कि छोटे भाई। तो कैसी उल्टी गंगा बह रहा। अल्लाह के नबी का तरीका क्या था कि आधी पिंडली तक पजामा पहनते थे या लुंगी मानते थे, अनसाक के साफ तक। अल्लाह के नबी ने इसे बहुत नापसंद किया है कि टुकनुस नीचे कपड़ा हो जाए। हम कहते हैं कि ये सुन्नत के मुताबिक है, तुम तो बड़े भाई का पजामा पहन करो, छोटे भाई का कुर्ता पहन करो। पजामा देखिए तो जमीन बहाड़ रहा है, कुर्ता देखिए तो इतना उटंग है कि दोनों प्लेटफार्म की लियर में रहता है। सुन्नत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, न तुम्हारे लिबास में सुन्नत का गुजर, न तुम्हारे चेहरों में सुन्नत का गुजर। तुम तो सुन्नत के दुश्मन हो, तुम तो बिदातों के इजाद करने वाले हो, तुम तो अपोजिट जहत पर जा रहे हो, डाउन ग्रेन पर सफर कर रहे हो। हमारे जैसा कोई चेकर मिल जाता है, एक टीटी मिला डाउन ट्रेन पर जाने वाले मुसाफिर को, उसने मशवरा दिया कि बेटे देखो अभी हम प्लांटी नहीं लगाएंगे, टिकट तुम्हारा ठीक है, सफर गलत कर रहे हो, तुम उतर जाओ यहीं, उधर से ट्रेन आएगी तो उस पर जाना। उसने कहा कि आपका यह काम नहीं है कि ट्रेन बदलवाए, आपका काम है टिकट देखना, मेरा टिकट जारी है, सरकारी काउंटर से लिया हुआ है, पैसा देकर लिया है, फोकट में नहीं लिया है। टिकट सही कहां, टिकट तो सही है, कब सही है तो आप जाइए, हम डाउन ट्रेन पर जाते हैं, आप ट्रेन पर जाए। अब बताइए टिकट को लिखा हुआ है सूरत टू बंबई, और चढ़ गया है उस ट्रेन पर जो सूरत से जा रही है,
वो दूसरे जिहत पर डाउन ट्रेन पर बैठा हुआ जा रहा है। टीटी ने मशवरा दिया कि बेटे विदाउट पेनाल्टी अभी बदल लो, रुख सही कर लो, उल्टे उससे लड़ने लगे। तो कोई खतरा मिल जाएगा तो सिर्फ ट्रेन बदलने के लिए नहीं करेगा, पेनाल्टी भी लगा देगा। हम लोग तो शरीफ चेकर हैं, हम लोग तो कहते हैं कि बेटे बरेली से जो ट्रेन छूटी है वो डाउन ट्रेन है, उसका प्लेटफार्म जहन्नम है, टिकट तुम्हारा ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खाली टिकट से मंदिर तक नहीं पहुंचता है आदमी, सफर का रुख भी सही होना चाहिए। तुम्हारे सफर का रुख गलत है, टिकट सही होगा तब भी मंदिर तक नहीं पहुंचोगे, मंदिर से फासला बढ़ता रहेगा। अमल की ट्रेन का रुख भी सही होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में कहीं सुन्नत का नामो निशान नहीं है, इसलिए जब आंख खुलेगी तो जहन्नम के प्लेटफार्म पर गाड़ी लगी हुई होगी। अभी मौका है, संभल जाओ ना, इसमें हलवा पूरी है, उसमें तो कुछ नहीं। एक साहब हमको मिले, कहने लगे मोदी साहब हम आपको पहचानते हैं। उन्होंने कहा बाबा पहचानते हो तो क्या फर्क पड़ा? कहने लगे जी फर्क पड़ गया, आप देवबंदी हैं। उनका नहीं, हम तो गया भी हैं, देवबंद थोड़ी मेरा घर है। कहने लगे वो मेरा मतलब नहीं। कहा ठीक है, हम भी आपके मतलब के नहीं है, कहना क्या चाहते हैं? कहने लगे मोदी साहब हमारा आपका बंटवारा हो गया है। कैसे बंटवारा हो गया भाई? कहा कि देखिए आप लोग नमाज बहुत पढ़ते हैं लेकिन नियाज कभी नहीं करते हैं, आप लोग नियाज बहुत करते हैं, नमाज कभी गलती से पढ़ देते हैं। तो आप लोगों ने नमाज लिया, हमने नियाज लिया। और कहने लगे कि आगे भी बंटवारा हो गया है, आप लोग जहां रहते हैं रमजान में होटलें भी बंद रहती हैं, सब लोग रोजे से, हम लोग रोजा तो दिल में आया रख लिया, नहीं रखा तब भी चलेगा। हम लोगों को रोजा चाहिए, रोजा नहीं चाहिए। रोजे पर कब्जा मेरा है, रोजे पर कब्जा आपका है, रोजा हमने लिया, रोजा आपने लिया। ये बहुत होशियार आदमी है भाई, जितना कर माल था अपनी तरफ रख लिया, जितना रूखा सूखा था इधर फेंक दिया, तो झगड़ा तो ऑटोमेटिक होगा। मैंने कहा भाई साहब ये बंटवारा ठीक नहीं है, आप नमाज इधर दे दिया, बताइए उसमें क्या मिलेगा? मुर्गा मिलेगा, खिचड़ा मिलेगा, मिलेगा अन्याज अपनी तरफ रख लिया, उसमें तो सब तर माल मिलेगा, और रोजा इधर रख दिया रूखा सूखा, और रोजा आप दखल कर लिया, तो बताइए सब मटेरियल तो चला गया उधर, तो हमसे आपसे तो झगड़ा होगा। कहा जी तो इसीलिए तो झगड़ा होता है कि हम रोजे वाले हैं, हम नियाज वाले हैं, आप रोजे वाले हैं, नमाज वाले हैं। मैंने कहा तो एक काम करो, हम तुम तो दोनों एक बाप की औलाद नहीं है, तुम्हारे बाप दूसरे, हमारे बाप दूसरे, तो बंटवारा तो ठीक नहीं किया। नहीं अब तो हो गया। तो मैंने कहा जब हो गया तो एकदम फाइनल कर लेना था, वरना तो इस मुल्क में कब्रिस्तान तो अलग अलग नहीं है, तुम भी उसी कब्रिस्तान में दफन होंगे मरने के बाद, हम भी वहीं, तो जिंदगी में बंटवारा हो गया, मरने के बाद तो झगड़ा होगा फिर वहां, तो फाइनल बंटवारा करो कि यहां से वहां तक क्लियर हो जाए। कहा वो कैसे होगा? हमने कहा देखो दो तुमने अपने पसंद से लिया है तो कम से कम हमको भी एक अपने पसंद से लेने दो। कहने ले समझाई बात, तो मैंने कहा ले लो, कहा ले लीजिए, तो कहा कि ठीक है। हमने कहा ठीक है, जन्नत हमने ले लिया, अब फाइनल हो गया इंशाल्लाह, यहां से वहां तक कभी झगड़ा नहीं करेगा। ऐसे नहीं होता है बंटवारे का, वैसे भी नहीं होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दीन का कबाड़ा बना दिया इन्होंने, बिदआत का पलंदा, एक से एक ऐसी ऐसी बिदअतें कि शैतान को ख्वाब में भी नहीं सूझी होगी। अब कब्र पर अज़ान चालू होगी, फायदा क्या है भाई? कहने बड़ी फायदा है। तो मैंने कहा सर कायदा तो नहीं है, अगर कायदा होता कब्र पर अज़ान का तो कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी। तरीका मिट्टी देने का भी हुजूर ने बताया, एक एक अमल सिखाया। अल्लाह के नबी इतना सवाब वाला काम भूल गए थे, नहीं बता सके। अगर हुजूर भूल गए थे तो कोई सहाबी ही उसको ताजा कर देता। लेकिन सिद्दीक अकबर के जमाने में भी किसी कब्र पर अजान नहीं हुई, फारूक आजम के जमाने में भी नहीं, और हजरत उस्मान और हजरत अली रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के जमाने में भी नहीं, हजरत हुसैन ने भी अजान नहीं दी किसी कब्र पर, उनके कब्र पर भी किसी ने नहीं दी।
हत्ता के चारों इमाम को भी हवा नहीं लगी, चारों मुत्तफक अलैह उम्मत के मुसल्लम बुजुर्ग औलिया अल्लाह को भी हवा नहीं लगी। ख्वाजा अंधेरी ने किसी अपने मरीज के कब्र पर आजान नहीं दी, मरीजों ने उनके इंतकाल पर उनके कब्र पर आजान नहीं दी। तो ये आजान आई कहां से? ऊपर से तो आई नहीं है, नकल से तो साबित नहीं है, ये अकल से बनाई गई है। शैतान किसी मुर्दे की कब्र में आता ही नहीं है, ये बात ही सिरे से गलत है। और फर्ज कर लो अगर आ ही गया हो तो शैतान भगाने के लिए शरीयत ने अलग अलग हर मौके पर वजीफा मुकर्र किया है। हर जगह शैतान को अजान ही देकर नहीं भगाया जाएगा। देखो हदीस में आता है कि हर मुसलमान को खाना पीना शुरू करना चाहिए बिस्मिल्लाह पढ़कर। अगर कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा और खाना स्टार्ट कर दिया तो शैतान उसमें शरीक हो जाता है। अब भूल कर बिस्मिल्लाह छोड़ दिया, खा लिया एक दो लुकमा, अब याद आया तो शैतान तो उसमें शरीक है। तब वहां अजान दिलाओगे भगाने के लिए? तब तो हर दस्तरखान पर एक मुअज्जिन बहाल करना पड़ेगा, पता नहीं कौन खाने वाला भूल जाए। शरीयत ने यहां शैतान भगाने के लिए तरकीब बताया कि शुरू में भूल गए थे, बीच में याद आया तो पढ़ लो बिस्मिल्लाह है, अव्वलहु व आखिरहु, शैतान भाग जाएगा। वजीफे अलग अलग है। पेशाब पखाने के लिए बैठता है, वहां पर शरीयत ने वजीफा मुतय्यन किया गया, अल्लाहुम्मा इन्नी औजुबिका मिनल खुबुसि वल खबाइथ, अल्लाह खबीस नर मादा से आपकी हिफाजत चाहता हूं, क्योंकि ये बेसब्री का मौका है, निजासत की जगह है, यहां शयातीन के अड्डे होते हैं। अल्लाह के हबीब ने हदीस में बताया कि ये दुआ इसलिए पढ़ाकर पढ़ लिया करो, फैन हुशूस मुहतरदरा, यहां खबीस और शैतान के हाजिर होने का इम्कान होता है, अपने को अल्लाह की हिफाजत में दे दो। तो मालूम हुआ कि शैतान इस दुआ को पढ़ने से भाग जाता है। अगर शैतान से बचने के लिए ये दुआ पढ़ ली गई, सुन्नत के मुताबिक अमल भी हो गया, शैतान भी भाग गया। और नहीं तो अजान से शैतान भागोगे तो हर बैतुल खला पर एक मुअज्जिन बहाल करो, क्या कर रहे हो? शैतान भागा रहे। हदीस में आता है मुसलमान मर्द औरत से जब मुजामियत और हम बिस्तरी करता है, दोनों के सतर खुल जाते हैं, निजासत दोनों को लाहिक हो जाती है। यहां भी शैतान का अंदेशा है। दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा जन्निबन शैताना व जन्निबी शैताना मा रज़क्तना, अल्लाह हम दोनों मियां बीवी को भी शैतान से बचाइए और जो औलाद दीजिएगा उसकी भी शैतान से हिफाजत फरमाइए। अगर शैतान लगाने के लिए अजान स्टार्ट की जाए तो पूरे शहर बरेली में हर घर में ग्रीन सिग्नल लगेगा और रात भर अजान। क्या कर रहे हो? शैतान भगा रहे हैं। पीर साहब बैतुल खुला में जा, बाहर से अजान दे रहे हो, क्या कर रहे हैं? आपकी मदद कर रहे हैं, शैतान भगा रहे हैं। कितना महंगा पड़ेगा? बिदात जिसको पकड़ा जाती है उसकी अकल मारी जाती है पहले। अकल मारी गई तो दीन बना दिया, मसला बना दिया अकल से। शैतान हर जगह अजान से नहीं भागता है। अगर अजान दे देकर शैतान भागोगे तो आजकल पार्लियामेंट में अडवाणी जैसे शैतान बैठा हुआ है, जो उबैदुल्ला साहब देखो अजान स्टार्ट करें, अजान स्टार्ट करें तो देखो कैसा इलाज हो जाएगा। देवबंद की जरूरत नहीं है, पेश आएगी खोपड़ा दुरुस्त हो जाएगा, मसला वहीं समझ में आ जाएगा। सारे सरकारी दफ्तरों में शैतान का बाजार गर्म है, रिश्वतें ली जा रही है, हर जगह एक एक मुअज्जिन बहाल कर दो, शैतान भागा। और यहां भी शैतान भगा रहे हो तो तुमको पता है, हदीस में आता है कि अजान की आवाज सुनकर जब शैतान भागता है, लहू जुरात तो गौस मारता हुआ, रिया खारिज करता हुआ शैतान भागता है। अगर खुदा ना खासकर कब्र में आ ही गया और अजान दिया तुमने, अब भागेगा तो एक आध हाइड्रोजन नाइट्रोजन बम को मारता हुआ भागेगा, कब्र कैसी जहन्नम का नमूना बन जाएगी, कितनी खुशबू से मुअत्तर हो जाएगी। खुदा ना करे, ला हौल वला कुव्वत। बिदात में हर मामला उल्टा हो जाता है। शायर ने कहा, बिदात में हर एक नक्शा उल्टा नजर आया, मजनू नजर आई लैला नजर आया। कुर्ते को पजामे की जगह, अब पजामे को कुर्ते की जगह। खार साहब खोपड़ा ही नहीं, 12 बजे रात को उठे
तो उन्होंने सुना कि देवबंद तो हर जगह छा गया, चमक गया, सारी दुनिया में इसका डंका बज रहा है। तो इन्होंने सोचा हमारा कौन नाम लेगा, हमने तो कोई काम किया नहीं। तो इन्होंने कहा कि ऐसा काम करो कि दुनिया में नाम हो जाए, सारी दुनिया से निराली चाल चलो। बस रात में उठे और कुर्ते के आस्तीन में पैजामा डाल दिया और पजामे के कदमचे में हाथ डाल दिया और बाई हम जाहो जलाल रोड पर चले आए। अरे हजरत ये क्या कदम था? चुप रहो, कदम क्या आया? मुनाजरा कर लो, कमीने कहेंगे कहीं लिखा हुआ है कि ये ऊपर ही पहना जाएगा और ये नीचे ही पहना जाएगा। अपने अपने पसंद की बात है, सबको ऐसे पसंद, हमको ऐसी ही पसंद। ठीक है बेटा, तुमको ऐसे ही पसंद है तो तमाशा बन जाओ, और पहचान में आ जाएगा ये कौन गुरु का है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सुन्नत की राह अलग है, बिदत की राह अलग है। हर बिदत में नहुसत है, खबासत है, जुल्मत है, तारीकी है, शैतानत है। हर बिदत ले जाती है जहन्नम की तरफ। कुल्लु बिदअतिन ज़लालाह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। बिदत का परिणाम जहन्नम है और सुन्नत का परिणाम जन्नत है। मदीने की सरकार अलग है, बरेली की सरकार अलग है। अब तो आपको कुछ समझ में आया होगा। कुछ कुछ जब समझ में आने लगा तो फिर बहुत कुछ भी समझ में आएगा। पहले तो आपको कुछ का कुछ समझ में आ जाता था, उससे बहुत गनीमत है कि कुछ कुछ समझ में आया। फिर वक्त आएगा कि सब कुछ समझ में आने लगेगा। आप कहोगे साहब मौलाना ताहिर साहब की जरूरत नहीं, अब तो हम ही हो गए बहुत बुकरा। खुदा करे कि वो दिन भी आ जाए कि हमें हमारी जरूरत न रहे, आप ही माशाल्लाह समझने वाले बाशऊर बन जाए। मेरे भाइयों, बातें बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं और रातें बहुत कम हैं। अब आप देख लो घड़ी कै बज रहा है, कितने बजे बैठा था और अभी कितना बजा है। जो हदीस आपके सामने पढ़ी गई थी उसकी इब्तिदा भी ढंग से नहीं हुई। इंतहा करने के लिए तो हमको भी करामत दिखाना पड़ेगा। हम भी साहिब करामात बुजुर्ग हैं, बैठते हैं काजी वक्त में, उठते हैं सादिक वक्त। काजी को सादिक बना देता हूं, समझ में आता है। हमें क्या मालूम था कि यहाँ के लोग एक बजे रात में भी समझते हैं। हमको तो जिंदगी में पहली बार इतने समझदार लोग मिले हैं। जाने के वक्त एक दो पीस दे देना, इतने समझदार मिले ना मिले। इंशाल्लाह आप हम जिंदा रहें। कल और सवेरे आइए ताकि सवेरे गुफ्तगू शुरू की जाए। आप सवेरे आएंगे, मैं भी आपकी खिदमत में सवेरे आ जाऊंगा। और इंशाल्लाह कल आखिरी प्रोग्राम है तो देर तक हमारी आपकी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। अजीज वादा करते हैं, इतने थोड़े से आदमी मत आया करो भाई, आओ तो जरा जम के आओ ताकि मालूम हो कि आप कुछ आए हैं। आप सैलाब की तरह से उमड़ के आएंगे तो हम भी दरिया बहा देंगे, सैलाब ला देंगे इंशाल्लाह। सुनमा इंशाल्लाह एक दो बार जहां सैलाब आया सब खसो खासा बह जाएंगे। ये जितना डीम मारते हैं लोग उन सबका कदो कामत मालूम हो जाएगा। कोई अमामे पगड़ी के भीतर में कुछ नहीं है, इल्म उसका नाम नहीं है। इल्म अमामे पगड़ी में अगर होता तो सेठ लोग हम लोगों से बढ़िया बढ़िया कपड़ा खरीद लेते हैं, वो बढ़ के अल्लामा हो जाते हैं। पगड़ी इमामे में इल्म नहीं होता है, सर में खोपड़े में होता है। आप कमाल पैदा कीजिए इंशाल्लाह, जुल्मत को तारीकी को हटाने के लिए इल्म की रोशनी चाहिए। अंधेरा भगाना होगा तो लाठी डंडे से भगाओगे? खबरदार खबरदार, अंधेरा लाठी चार्ज करने से नहीं भागता है। दंगे से, झगड़े से अंधेरा नहीं भागेगा। अंधेरे में लाठी डंडा चलाओगे और तुम्हारे सर पांव टूटेगा। उसको भगाने की आसान तरकीब यह है कि रोशनी का इंतजाम करो। तुम्हारी रोशनी जितनी तगड़ी होगी अंधेरा उतना एरिया खुद ब खुद खाली करेगा। अंधेरे का गोलिया बिस्तर अपने हल्के से अगर बांधना चाहते हो तो लाइट तेज करो। सुन्नत की रोशनी तेज होगी तो बिदात खुद ब खुद अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगेगी। आज
जहां इल्म की रोशनी नहीं है वहां बिदात के घने साए हैं, जहां इल्म की रोशनी तेज हो रही है, तालीम बढ़ रही है, वहां से बिदात के बादल छट रहे हैं। अब तो गांव देहात के जाहिल एरियों में पहुंच गए हैं, शहरों से इनका दीवाना निकल रहा है, क्योंकि शहर के लोगों में जरा जहन की तेजी है, शऊर है, बातों को समझने तौलने की सलाहियत है, तो इनको चाहिए तो जहालत का अंधेरा चोर डाकू रोशनी से घबराते हैं, अंधेरा तलाश करते हैं। हां, चोले बदल गए हैं, अब फितने पहले जैसे नहीं है। पहले चोर डाकू आता था, रात का टाइम इंतजार करता था, रात हो जाए, सन्नाटा हो जाए, तब चले गए। अब वैसे शरीफ चोर डाकू नहीं है, अब तो दिन के उजाला में 12 बजे दिन में आकर के सरकारी बैंक लूट लेते हैं। मालूम हुआ कि बड़े दिलेर और बड़े फनकार हो गए हैं, नए नए तरीके और नए नए हरमे इस्तेमाल कर रहे हैं, फितने नए हरमों के साथ आ रहे हैं। आप पुरानी ही काट लिए रहेंगे, कैसे काम चलेगा? आपको भी नई तैयारी करनी पड़ेगी और कितनों के भेष को समझना पड़ेगा, शनाख्त करनी पड़ेगी, भरपूर वार करना पड़ेगा, तब ये कितने दम तोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जमात बांझ नहीं है। ऐसे ऐसे अहले इल्म और जिबाले इल्म है, अगर वो एक बार मैदान में आ जाए सब खत्म हो जाए। सर्दी के मौसम में एयर टाइट कमरे में लिहाफ ओढ़कर आप सोए रहते हैं और उधर से याद आती हाँ, तो आपको धोखा लगता है कि शेर गरज रहा है? कभी धोखा लगता है? आप आवाज से बजाल देते हैं कि गीदड़ है, समझ गए? हम लोग आवाज से पहचान लेते हैं, ये आवाज गीदड़ की है, ये आवाज शेर की नहीं है। नकल और चीज होती है, असल और चीज होती है। एक गधा शेर की खाल ओढ़ करके नकली शेर बना हुआ था, तो बेचारे कम समझ बच्चे लोग जब देखते थे कि उधर से आ रहा है, तो खाल शेर की थी, तो गधा नहीं समझते थे, बच्चे लोग समझते थे शेर आ रहा है। भागते लोग दरवाजा बंद कर लेते, भौंक 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 शेर आ रहा है। तो जब उसने देखा कि बच्चे हमको देखकर भाग जाते हैं, तो उसने सोचा कि अभी तो खाली शेर की है, अगर हम शेर की तरह गरजने लगे तो जवान भी भाग जाएंगे। बस उसने गरजना भी शुरू किया, तो गरजा तो ढेंकी निकली आवाज, ढेंकी आवाज निकली, तो बच्चे लोग भी गरजने लगे, ये तो ढेंकी वाला है, ये थोड़ा ही शेर है। तो जो कमरा में झुक झुक गए थे वो बच्चे भी निकले ढेंकी की आवाज सुन करके, और ढेंकी की आवाज सुन करके निकले तो बहुत दिन से गधे पर बैठना छोड़ दिया था, अब सब बैठ गए और इतना ज्यादा बैठ गए कि दूर तक कहीं कोई जगह नहीं है। ये और अभी और बच्चे बचे हुए हैं, जगह नहीं है, तो नीचे वाला कह रहा है ऊपर से जगह बनाओ, हम कहां जाएंगे, हम भी तो बैठेंगे। तो ऊपर वाला कह रहा है कि अब जगह नहीं है, तो लड़के तो होते ही शैतान। एक ने कहा कि जगह नहीं है तो जगह बनाई जाएगी, पोच उठाओ तो देखें इसमें खोसने की जगह है कि नहीं। फिर देखा तो खोसने की जगह, उसने डंडा करना शुरू किया, तो गधे आपको समझ में आया कि न शेर बनते भी है दुर्गत बन आता है जीवन में। इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आने लगेगा अगर मैं आता रहूंगा। आप जिंदा रहेंगे, दुआ कर देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरी भी उम्र दराज कर देगा। यार जिंदा सोबत बाकी, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। वह आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए ये हमारे शकील भाई हैं, बॉम्बे से आए हुए हैं। इनका काम ये है कि जहां मेरा प्रोग्राम होता है दूर नजदीक, ये बेचारे पहुंच जाते हैं और बड़े काम की चीजें वहां लेकर आते हैं, केसीटे ले आते हैं, किताबें ले आते हैं। इस वक्त इन्होंने दो किताब थमा दिया है, एक किताब का नाम है बरेलवियत की खाना तलाशी। ये एक नौजवान आलिम है बंगलोर के, उन्होंने ये किताब लिखी है, इस पर मेरी तकरीर भी है। ये किताब भी काबिल मुताला है, अच्छी किताब है, आप हजरात के मुताले की है। दूसरी किताब है नमाज पैगंबर, ये पाकिस्तानी आलिम है, मदीना तैयबा में रहते हैं,
سعودیہ میں رہتے ہیں، یہ نماز پیغمبر بہت عمدہ کتاب ہے غیر مقلدیت کے اور اہل حدیث کے فتنے سے نمٹنے کے لیے، یہ ایک اچھی کتاب ہے۔ اس پہ انہوں نے دکھایا ہے کہ حنفی نماز کا طریقہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نماز والا ہے، ہر نماز کے مسئلے کو صحیح حدیث سے انہوں نے نقل کر کے مدلل کر دیا ہے۔ یہ کتاب اردو زبان میں، یہ بھی مطالعہ کے لائق ہے، ہندی میں بھی ہے ماشاء اللہ، یہ کتاب ہندی میں بھی ہے نماز پیغمبر۔ جو لوگ اردو نہ جانتے ہوں ہندی جانتے ہوں وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور کیا ہے، ہمارے بیانات کی اور بہار کے مناظرے کی سی ڈی آئی ہوئی ہے، برائے کرم آپ اعلان کر دیں۔ میں اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو کیسٹوں سے بھی فائدہ پہنچے گا، مناظرے کی سی ڈی سے بھی فائدہ پہنچے گا۔ ایک صاحب کل بھی سی ڈیاں دے گئے ہیں، وہ بھی شاید یہاں موجود ہے۔ جو حضرات شوق رکھتے ہوں دعا کے بعد ان چیزوں کو حاصل کریں گے، خود بھی پڑھیں گے دیکھیں گے اور دوسروں کو بھی پڑھنے اور دیکھنے کی دعوت دیں گے۔ انشاءاللہ نور علم کا پھیلے گا تو ظلمت تاریکی خود بخود گھٹے گی۔ میرے بھائیو درود پاک پڑھ لیجیے، دعا فرما لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بھائی صغرا بیوی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، خصوصی دعا کی درخواست وہاں سے آئی ہے، آپ لوگ نامزد طور پر ان کے لیے دعا فرما دیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اکرم الاکرمین، تمام حاضرین کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ یا غیاث المستغیثین، ہم مظلوموں پر نظر عنایت فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم لوگ خالی ہاتھ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، بہت امیدوں کے ساتھ ہاتھ پھیلائے ہوئے آئے ہیں، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ فرمائیے، دامن مراد کو بھر دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیجئے، ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، جو ہم میں مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو بے وسیلے ہیں ان کے لیے غیب سے وسیلے اور اسباب مہیا فرما دیجئے۔ یا اکرم الاکرمین، حاضرین کے ساتھ بھی کرم کا معاملہ فرمائیے، اور غائبین میں بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو امیدیں لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اے اللہ، بہت سے ایسے ہوں گے جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے ہوں گے، آنے والوں سے انہوں نے کہہ رکھا ہوگا یا ان کا ہم پر حق بنتا ہوگا۔ اے اللہ، ان کی حاجتیں آپ ضرور جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں، اتنا ہم بھی جانتے ہیں کہ ان کی حاجتیں بھی آپ ہی پوری فرما سکتے ہیں۔ یا اکرم الاکرمین، محض اپنے فضل کرم سے غائبین کی حاجتیں بھی پوری فرمائیے، ان کی مشکلوں کو بھی آسان فرما دیجیے، ان کی مصیبتوں کو بھی ٹال دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے تمام زندوں کو بخش دیجیے اور ہمارے مردوں کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ یا اکرم الاکرمین، ہمارے مردوں میں بہت سے ہمارے اقابر بھی ہیں، بڑے بھی ہیں۔ اے اللہ، بہت سے ہمارے احباب اور دوست و تعلق والے اور اہل خانہ بھی ہیں۔ یا اکرم الاکرمین، ان کے ساتھ بھی کرم کا معاملہ فرمائیے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیے، بال بال ان کی مغفرت فرمائیے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات سے نواز دیجیے۔ یا اکرم الاکرمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اگر کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں تو اے اللہ، اس میں ہماری کمزوری شامل ہو گئی ہے۔ ہم عیب دار ہیں تو ہماری نیکیوں میں بھی یقیناً عیب ہوگا، ہم کمزور ہیں تو ہماری نیکیاں بھی کمزور ہوگی۔ اے اللہ، جو کر کے لائے ہیں وہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، وہ ہم اپنی وسعت اور اوقات کے مطابق کر
सके हैं, या अक्रम अलक्रमीन उन आयत वाली नेकियों को पेश करके अज्र मांगते हुए भी शर्म आ रही है। अल्लाह हम अपनी नेकियों का आपसे अज्र नहीं मांगते हैं, हम तो आपका फजल मांगते हैं, आपसे आपका कर्म मांगते हैं। अल्लाह महान अपने फजल करम से हम सबकी मगफिरत के फैसले फरमा दीजिए, या अक्रम अलक्रमीन हमारी बदहाली को खुशहाली से मुबद्दल फरमा दीजिए। अल्लाह इल्मे नाफे से नवाज दीजिए, अमल मकबूल इनायत फरमा दीजिए, अपनी मर्जियात पर चलना आसान फरमा दीजिए, अपनी नामर्जियात से हमारे दिलों में नफरत डाल दीजिए। या अकरम अलकरमीन महज अपने फजल करम से हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को माफ फरमाइए। अल्लाह हमारे मर्दों को भी माफ फरमाइए, हमारी औरतों को भी माफ फरमा दीजिए। अल्लाह हमें जब तक दुनिया में रखिए इज्जत की जिंदगी अता फरमाइए, जब खात्मे का वक्त तो खात्मा ईमान पर कर दीजिए। या अकरम अलकरमीन जहां जहां ईमान वाले आबाद है उनको अपनी हिफाजत में ले लीजिए। अल्लाह जहां जहां दीनी काम हो रहे हैं, मदारिस चल रहे हैं, खानकाहें चल रही हैं, जमातें गश्त कर रही हैं, जमीयतें और तंजीमें काम कर रही हैं, तहरीकें उठ रही हैं, जिस नाम से भी दीन का जहां भी काम हो रहा है, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा लीजिए, उनके रास्ते की रुकावटों को दूर फरमा दीजिए, उनके बाजुओं में तवानाई अता फरमा दीजिए। अल्लाह सबके साथ कर्म का मामला फरमाइए। जो हम में बीमार है, बहुत से ऐसे भी हैं जो इलाज करते करते थक चुके हैं, मायूस होकर बैठ चुके हैं, उनकी बीमारियों की दवा नहीं मालूम हो रही है। अल्लाह आपके पास तमाम बीमारियों की दवा है और तमाम दवाओं की शिफा भी आप ही के हाथ में है। हमारे मरीजों को शिफाए कामिल आदिल अता फरमा दीजिए। ऐ करम वाले आका तमाम हाजरीन की दुआओं को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और तुफैल में कबूल फरमाइए। इस इज्तिमा को अल्लाह नफे का जरिया, खैर का जरिया बना दीजिए। जिन जिन लोगों ने इसमें कुर्बानियां दी हैं, दामे दिरहमे सुफले जिस तरह भी मदद की, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अदा फरमाइए, उनके माल और अस्बाब में बरकत अदा फरमाइए, उनकी औलाद में बरकत अदा फरमाइए। अल्लाह जो नाफरमान बच्चे हैं उन्हें माँ बाप का फरमा बरदार बना दीजिए। अल्लाह जो बच्चों से महरूम है, बे औलाद है, उनके घर में भी एक चिराग जला दीजिए, उन्हें साहिब औलाद बना दीजिए। या अकरम अलकरमीन हमारी जरूरतों को हमसे बेहतर आप जानते हैं, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आपके सिवा कोई हमारी बिगड़ी बना नहीं सकता है, हमने आपके दर के सिवा कोई दूसरा दर नहीं देखा है और हम देखना भी नहीं। ऐ करम करम वाले आका बहुत उम्मीदों के साथ आपके दर पर आए हैं। या अकरम अलकरमीन हम जैसे कुछ भी हैं आप ही के हैं, हमारे सवाल की लाज रख लीजिए, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तुफैल में हम सबकी मगफिरत के फैसले फरमा दीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।